ताकि ये बच्चे मोटिवेशन इनको मिले और ये आगे बढ़े और ये अपने जितने भी उच्च कोटि के खिलाड़ी भी रहे आज हमारे कोच साहब बैठे हैं हमारे पीछे, हमने बुलाए हैं सारे खेलों के कोच, बारी बारी आप लोगों के बीच में होंगे। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी भी दो आप लोगों के बीच में आ रही हैं जो पाकिस्तान तक जा करके खेल के आए हैं, कई देशों में खेल के आए हैं, दो वो भी आपके बीच में आएंगे और अपने कुछ डीपी साहब आएंगे और जो भी मतलब सरपंच साहबों से मेरी फिर प्रार्थना है, गणमान्य व्यक्ति है गाँव के, फर्ज बढ़ता है मेरा, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रयास तो हमने किया है लेकिन आशीर्वाद आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितने भी ये गणमान्य व्यक्ति हैं जो सीनियर हैं गांव के बुजुर्ग हैं, राम राम जी आंटी जी, तो भैया आप लोगों के दिशा निर्देश के बिना कुछ नहीं है। संदीप डीपी हमारे पहले के लिए जान गवाई जिनके बदौलत हमें आजादी मिली और ये ऐसे मौके के ऊपर उनको एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए। वैसे तो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी होगी, ऐसे ऐसे मौकों पे उनकी जयंती पे उनको याद किया जाता है लेकिन उनको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। कहते हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान शहीदों का सम्मान भगवान से भी ज्यादा बढ़कर दर्जा हम जिनको देते हैं उन शहीदों को देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के बीच में स्वतंत्रता दिवस आजादी का ये दिन है और हमने एक छोटा सा जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा ये प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रयास को सफल बनाएंगे और इन बच्चों को भी हौसला दोगे कि भाई फौजी साहब बढ़िया बात बता के गया बेटा, आप पढ़ो खेलो और भाई हम आप लोगों के बीच में हैं। गांव हमारा बड़ा अच्छा गांव है, पट्टी अफगान का रुतबा पूरे वर्ल्ड के अंदर है, कोई किसी फील्ड में कोई भी कम नहीं है। और मैं तो हैरान हो गया जबकि खुद मैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुआ हूँ, बच्चे आगे मेरे स्पोर्ट्स में है लेकिन मैंने खुद नहीं पता था कि मेरे पट्टी अफगान के अंदर इतने नेशनल स्टेट लेवल के मेडलिस्ट चैंपियन हैं। जब मेरे पास लिस्ट आई तो आज 23 खिलाड़ियों की लिस्ट मेरे पास है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाइए, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और बड़ा अच्छा गांव है, एक आशीर्वाद की जरूरत है, बहुत अच्छे प्लेयर यहां से और बड़े बड़े अफसर यहां से निकल सकते हैं लेकिन मोटिवेशन देने को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे ये बुरी संगत में नशे की संगत में ना जा करके हम टाइम टाइम पे ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के बीच में करते रहेंगे। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिएगा। और सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में दो बच्चियां हमारे गांव की, वो हिमांशी और रितु, जो अपने सुर में वंदना करेंगी और वहां से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होगी। चल दो करके एक महावीर के पास लिस्ट है भाई, वो लिस्ट एक बार मेरे पास भेज दियो। बहुत अच्छा भाई, देखो डिसिप्लिन अनुशासन जिस देश का होता है उस कंट्री का झंडा हमेशा सबसे ऊंचे रहता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी मुश्किल से प्रशासन से परमिशन लेकर के आया हूँ मैं यहाँ पर, डिसिप्लिन अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया ये व्यवस्था सारी अपनी खुद की जवाबदारी पे लेके आया हूँ मैं। वेरी चलो जी
लोग और जो पीछे खड़े हैं कुर्सी में अगर स्थान खाली है तो कुर्सी में बैठ दो, बाकी कुर्सियां और मंगवा रखी हैं पाछा मंगवा दियोगी रे। और ये बेटा ये वाली इंटर है ना अपन थाना साहब गोनिया ले कमेटी को कर चले कर एक बार ना थोड़े से आगे दो चार पीछे खड़े हो जो इस साइड में खड़े हो जो इस साइड में एक जगह ना जमकर खड़े हो तभी सारे कोई किसी ने जगह ना मिले या कोई किसी ने कुछ पूछना है तो सारे सतवीर सिंह जो हमारे रेसलिंग के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं स्टेज के ऊपर आइए। आज इनको विशेष तौर पर हमने जो है बुलाया है क्योंकि पता होना चाहिए नए नए बच्चों को ये बेटा विश्व चैंपियन है अपने टाइम के एक बार जोरदार ताड़ियों बजा दो रेसलिंग गेम के अंदर जो भी बच्चों को कुश्ती गुल सिखाने लग रहे हैं तो इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मंच पे और जितने मीडिया वाले भाई हैं इनका स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पर आने पे वेलकम करता हूँ। और भाई थोड़ा सा ख्याल रखियो सोशल डिस्टेंस का क्योंकि कोरोना का जो ये अनलॉकडाउन तो हो गया लेकिन फिर भी अपनी अपनी सेफ्टी जरूरी है और ये मीडिया वाले तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे अभी पट्टी अफगान वाले तो जमा अड़के खड़े हो गए इसलिए इनसे तो थोड़ा दूर रहियो ठीक है जी। बुरा मत मानिए फौजी साहब ये कह रहा है मेरा तो बताने का फर्ज है जी बच्चों को ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा भाई। और ये जो लिस्ट हमारे पास है मैंने यो जो एक मिनट बैठा शोर ना करो एक छोटा सा प्रयास मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से किया था कि आप लोगों को हौसला मिले बच्चों को हौसला मिले जो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई अपना अपना मन होता है मेरा मन था ये प्रोग्राम करने का तो मैंने ये जो है इन बच्चों को साथ लेकर के ये प्रोग्राम जमाया है जिसमें मैंने जो अपने सब अपने गांव के बेटा ये छोरियो ये निक्की मिक्की चुप अपने गांव के बच्चे जितने भी पढ़नी हैं पहली तो लेके बारहवीं लग के और जितने फर्स्ट पोजीशन है मतलब क्लास में फर्स्ट हो उसका न्यू मतलब हमने सिर्फ जो गांव में फर्स्ट है यानी कि किसी भी स्कूल का बच्चा फर्स्ट है अपने गांव का फिर यू देखा जाएगा कि गांव में कौन सा फर्स्ट है चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ता हो अपने गांव का बच्चा होना चाहिए इंग्लिश मीडियम हो हिंदी हो सरकारी हो प्राइवेट हो गांव का बच्चा होना चाहिए किसी भी स्कूल में पढ़ो तो सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। जितनी मेरे पास लिस्ट आई उस लिस्ट का मैंने जो है अच्छी तरह से निरीक्षण करवा करके जिस बच्चे के सबसे ज्यादा परसेंटेज है और जितने मेरे पास हो सकता है कि मेरा कोई टॉपर बैठा हो और उसने पता ना लगा हो या मेरे पे लिस्ट ना आई हो उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जितनी मेरे पास आई थी उनकी 98%, 97%, 96%, 90% से ऊपर बच्चों के जो पहली से लेके बारहवीं तक पट्टी अफगान में टॉप है उनके लिए हमने प्राइज रखा है वो आप लोगों के बीच में अनाउंस करके बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो बच्चे सेकंड पोजीशन पर रहे हैं मैं आपने बता दूं जो हमने देखा सिर्फ एक एक नंबर से एक प्लस टू के तो ऐसी मेरे पास दसवीं की मार्क लिस्ट आई थी कि एक बेरवाल वाली गामड़ी में लड़की है गुरप्रीत उसके नंबर और एक अपने पीटीआई की पोती है कुलदीप की बेटी तन्नु सिर्फ एक नंबर का फर्क था एक नंबर इसका कम था लेकिन वो भी कम नहीं एक बार जोरदार ताली बजा दो। तो जो फर्स्ट बच्चे हैं पट्टी अफगान में उनको जो है भी प्राइज देंगे हम ताकि आप हौसला बढ़े। और जो खिलाड़ी है भाई नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट ब्रोंज मेडलिस्ट कोई भी पदक है उनको भी जो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि बहुत बढ़िया मोटिवेट इन बच्चों को करना आप लोग बताना कि बहुत बढ़िया ये भी तो मैंने प्रयास किया है मैंने कोई किसी से डोनेशन नहीं लिया किसी की पर्ची नहीं काटी किसी से चंदा नहीं लिया कहीं से मेरे पास एक पैसे का भी सोर्स बाहर से नहीं मैंने लिया सिर्फ मैंने ये कहा बेटा खर्चा मैं करूंगा और आप लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ और एक तय एक अस्थि गामड़ी में पड़ी है सिर्फ एक बताने की जरूरत है एक शुरुआत करने की जरूरत है ये मेरे को पता है बहुत अच्छा गांव है एक बार हम शुरुआत कर देंगे अभी तो हमने कैसे कर लिया बाकी आगे आप लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा जी अगली बार जब कोई भी प्रोग्राम करेंगे आप लोगों के पास जरूर आएंगे। आप एक तो मैंने थोड़ा सा न्यू देखना था ये बच्चे कितने एक्टिव हैं और एक बार करो ये हमने शुरुआत कर दी भाई हर साल ये प्रोग्राम हो ही करेगा हर साल ऐसे ही मंच लगा करेगा जो बच्चा मेडल लेकर आया करेगा जो बच्चा फर्स्ट आया करेगा हर साल ये प्रोग्राम यहाँ करेंगे भाई और जो भी सहयोग करेगा गांव का भी गांव के बच्चे हैं अपने बच्चे हैं खेल का है सारा गांव की इज्जत है तो जो भी भाई सहयोग करना चाहेगा सहयोग करना और भी इसी प्रकार से स्टेज लगेगी इसी प्रकार से हम लोग यहां पर प्रोग्राम किया करेंगे। और बेटा जितना इनाम राशि आज मैं यहां देऊंगा आप लोगों ने ये इनाम राशि बढ़ सकती है घट नहीं सकती सिर्फ खेल लो और पढ़ो हर साल ये प्रोग्राम करेंगे एक बार जोरदार ताली बजाओ वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत खुश हूं मैं कि आप लोगों ने प्रोग्राम सफल बनाया आप लोग यहां पर आए और कोच साहब मैंने लिस्ट दे दो अगर आपकी तैयार होगी हो तो बच्चों को इनाम बंटवाना शुरू करें फिर और जिस जिसने इनाम देना है कि उसका साथ नाम लिखते रहियो बुलाते रहियो एजुकेशन के हिसाब से भी और प्लेयरों का प्लेयरों के हिसाब से वेरी गुड बहुत बढ़िया। और बेटा एक स्पीच थी गुड़िया ने स्पीच देनी थी इसको बेच आज मेरी लड़ो एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई देखो 15 अगस्त है और मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है आज बेटी वेरी गुड बहुत बढ़िया मोनिका बजा दे एक बरोड़ ताड़ी वेरी गुड आजा बेटा यहाँ सेंटर में
सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज माननीय करमबीर फौजी जी की बदौलत हमें यहाँ इकट्ठे होकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला। आपने जो खिलाड़ियों और विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़कर और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया है, वह बहुत ही सराहनीय योग्य है। मैं मोनिका सपुत्री सतबीर सिंह आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। आज से 73 वर्ष पूर्व 15 वर्ष 1947 को हमें एक ऐसी सौगात मिली जिसकी बदौलत आज इतनी ऊंचाइयों को हमने पाने में सक्षम पाई। हम सभी जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और हमने तो इस सौगात के लिए हजारों जाने गंवाई हैं। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं और जो चैन के पल पा रहे हैं उन पलों के लिए हमारे पूर्वजों भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहेब, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी और हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पूरी जिंदगी का चैन खो दिया। आजादी सिर्फ गुलामी से मुक्ति पाना नहीं बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। इस आजादी के बाद ही हम दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए नए मुकाम हासिल कर सके हैं। वहीं दूसरी ओर हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और हमारा देश इस महामारी का डटकर सामना कर रहा है। हमारे देश के कोरोना सेनानी, फौजी, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी आदि ने अपने सुख को त्याग कर हमारी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। हमारी इस आजादी को बनाए रखने के लिए आज भी हमारे भाई फौजी देश की सीमाओं पर अपनी जान की परवाह किए बिना खड़े रहते हैं। आज आजादी के 73 वर्ष बाद हमारे देश ने विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई और विकासशील देश से विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर है। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस प्रयास में अपना योगदान दें और अपने गांव, शहर और देश का नाम रोशन करें। दो पंक्तियां देश की शान में, दिल हमारा एक है, एक ही है हमारी जान। दिल हमारा एक है, एक ही हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पर, जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद। सांस्कृतिक प्रोग्राम एक गुड़िया के नाम इसका बिटिया का एलाटो अरे तू आजा बिटिया एक ये मीडिया वाले हैं बोले एक परफॉर्मेंस करवा दो उसकी ये क्लिप लेके जाएंगे आजा बेटा शाबाश और इसको दिया जो तेरा गीत है ना वो इसके दे के आजा ये भाई बहुत प्यारी बेटी है हमारी बहुत प्यारी लाडो है ये यह भी मैंने गोद ले रखी एक बार जोरदार ताली बजाओ वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया सेट आजा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों के बीच में कोई भी बच्चा अगर आता है ना तो हौसला बताया करो भाई ताली बजा के लवे बढ़िया सी क्लिप दिखा दे हमारी गुडिया की शिष्य रही और बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने तैयार किए हैं और खुद मेरी तीन बेटियां चैंपियन बनी है तो इनको उत्साहों की बदौलत बनी एक बार जोरदार ताड़ी बजा दिया करो मेरे राजेंद्र सिंह सीनियर कोच बॉक्सिंग हमारे बीच में पहुंच चुके हैं कोच साहब स्वागत है आपका थैंक यू धन्यवाद आप आई बाहर आई बड़ा खुश हूँ आ जाओ लगा भाई सॉन्ग वॉइस इसको बताओ गुड़िया वेरी गुड एक बार जोरदार तालियां भाई वेरी गुड आज मीडिया रिपोर्टर साहब थोड़ा टाइम है या अभी जाओगे है ना मजा आया ना देख मैंने बोला था ना आपको आनंद आएगा सोशल डिस्टेंस बनाए रखो बेटा थोड़ा सा वेरी गुड हाँ जी कोच साहब पुरस्कार की शुरू कर अच्छा जी बता देना चाहता हूँ मैं मीडिया रिपोर्टर भी यहाँ पर आए हुए हैं हम अपने गांव में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं उनको गोल्ड मेडलिस्ट को 31,000 और सिल्वर जिसका मेडल है इंडिया के अंदर उसको 21,000 और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उसको 11,000 जो राज्य स्तर पे किसी भी गेम में मेडलिस्ट है 11,000 गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल को 5100 और ब्रॉन्ज मेडल को 3100 और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी 10वीं में और 12वीं के अंदर अभी टॉप रही हैं पटने अफगान में उनको 5100 रुपये 12वीं से लेकर के छठी तक जो बच्चे पट्टी अफगान में टॉप रहे हैं उनको जो है 2100
और जो पांचवी से पहली तक के हैं बच्चे फर्स्ट क्लास से लेकर पांचवी तक उनको 1100 रुपए देके आज हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। और जो हमारे पास कम से कम कितने 40-50 के आसपास बच्चे हैं, एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाओ। या स्कूटी की तरफ देखा सारे, यार किसी ने मिलेगी, राज को राज ही रहने दो, टेंशन ना लो। आज बहुत बढ़िया भाई, चलो होना चाहिए बच्चों में सस्पेंस होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे आगे आए। और भैया मेरा मन इसलिए प्रोग्राम करवाने का मिला कि परमात्मा ने लगा लो, मेहनत लगा लो, किस्मत लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोच साहबों की मेहनत लगा लो कि आज मेरे 3 बच्चे जो है इंडिया चैंपियन है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक के बच्चे क्यों नहीं हो सकते, सभी के बच्चे हो सकते हैं, एक थोड़ा सा मोटिवेशन करने की जरूरत है। और बच्चे टॉपर भी हो सकते हैं पढ़ाई के अंदर, जो है बड़े अफसर भी लग सकते हैं। आप देख लेना इसका बड़ा बढ़िया रिजल्ट आप लोगों के बीच में आप लोगों को मिलने वाला है। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें कोई लिस्ट हो तो देते रहो बनाए, कभी कई सिस्टम ऐसा है ना, कहीं तो सोचा भाई पीछे तो की तो इसी बात है, आपका 100 रुपये भी न्यू खूज अपने टोंदे फिरांगे। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूँ कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। और इन बच्चों के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो परमात्मा ने थोड़ा सा मेरा कोई इनकम का सोर्स दिया है। तो अगर 10 पैसे बंदा कमाता है तो 2 पैसे जो है अच्छी जगह लगाने में कोई बुराई नहीं होती, वो मेरा मन किया तो इन बच्चों के लिए जो मैं कर रहा हूँ। और मैं ये जो है अब की बार थोड़ा सा मैंने प्रयास करके देखा है, और अगर बढ़िया बना तो गांव के, मेरे गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बोलेंगे फौजी साहब कोई टेंशन नहीं, आप तेरे साथ हैं, अगली बार जब प्रोग्राम होगा तुम्हारे को बताना भी। तो मैं किसी के पास गया नहीं, मैंने किसी को बोलिया नहीं, किसी को मैं टोकिया नहीं, मैं कहा कि बता के सोचा रहने दे फौजी, तू अगर शुरुआत करनी है तो मैंने अपना स्वार्थ एक साइड में रखा, कहते कोई भाई सोचा ना करना फौजी तो सरपंच जी का इलेक्शन अटकी गंदा होगा, भाई गांव के बीच में ऐलान करूं सरपंच जी तो छोड़, मेमरी भी मैर मेरे परिवार के अंदर कोई चू भी करेगा तो थारे जुद्दी होगी, मेरा शीर होगा, मैं कभी किसी भाई का ये होगा, क्योंकि मैं अब बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आप लोगों के बीच में आया हूँ। और कोई नहीं सोचा अपना नाम गण खतर करता होगा तो नाम तो आपने मेरा विदेश सतक जा रहे गांव गांव में, मैं क्या अपना नाम करूंगा, मेरी फीलिंग मेरी भावनाएं। और यो काम ये समझना, गहराई से सोचना कि शुरुआत हमने क्यों की है, इसका मैटर मकसद सिर्फ यही है कि पहल करने वाला कोई बंदा चाहिए था। उरा कभी नहीं सोचो कि नाम वाला कोई चक्कर नहीं है, कोई भी कर सके, ये तो बहुत पहले हो जाता तो हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाते। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये बैठे गुरमीत कोच साहब, खुद मैं टीम लेके गया था स्कूल नेशनल की, ये निकिता भी यहाँ पर होगी, शीतल भी यहाँ पर होगी, सब जो अंडर 17 स्कूल की टीम के अंदर हरियाणा की टीम के 10 खिलाड़ी थे लड़कियों में, और जिसमें से पूरा हरियाणा में 7 खिलाड़ी और 3 बेटियां अपने पट्टी अफगान की थी, जबकि 4 खेलने जाती हैं, 4 बेटियां खेलने जाती है, 3 हरियाणा को जो है हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेशन कर रही है। मैं तो कहूँ जब 20 छोरी खेलने जाती तो 10 की 10 हरियाणा की टीम में पाती आज के टाइम में। तो इसलिए अपने बच्चों को मोटिवेशन दो कि बेटा खेल लो और पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया रहता है, अनुशासन बहुत बढ़िया रहता है, और अनुशासन की हमें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी कोच साहब, प्यारा जवाब है, लो लिख लो आप कोई बेटा देश समय देश हरियाणा में लाडो की परफॉर्मेंस करवाऊंगा बेटी, बैठ टाइम बहुत अपने पास, चिंता ना करो, खूब टाइम काट कर रहे हैं जितने भी कोच साहब सेटी में, तुम जाना सब राम तो बैठे हैं, चाय पानी गुरमीत जी पूछते रहिए। भाई हमारे बीच में एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दो, दीपक काशीपुर और रवि दोरा कबड्डी का रेडर जो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीत के लाए थे, उसके ऊपर खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट हुई थी उसमें बेस्ट रेडर रहे हैं, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। इसके अलावा कनाडा अमेरिका और वर्ल्ड के अन्य देशों में हरियाणा और कैथल जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हमारे बीच में है। हरियाणा और पंजाब में 3 ट्रैक्टर कंबाइन और 50 के करीब मोटरसाइकिल जीत चुके हैं, ये छोटी हस्ती है, एक बार जोरदार ताड़ियां बजाओ। वेरी गुड पहलवान जी, बैठो, मोस्ट वेलकम करते हैं आपका। एक हमारे पलवल जिला से है, मेरे पुराने मित्र, इनके साइड पर खूब प्रोग्राम करता हूँ, और एक अपने गांव देवरा से पड़ोसी गांव से है पहलवान रवि जी, बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का यहाँ आने पर, आप लोग यहाँ पे रहे हमारी शान बढ़ाई। मास्टर जी के बात है, हाँ रहना हुए है, जाना नहीं आपने, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अभी हम भाई ये नाम अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। भाई देखो, सबसे पहले तो हमने जो बनाई थी सोच थी हमारी, देखो यहाँ तो कोई, ये तो अपना खुद का ही प्रोग्राम है, जो मैं सोच लेके चला था कि मैं स्कूल के बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, खिलाड़ी को पुरस्कृत करेंगे, उसके बाद जो है मेरे पास जो बच्चे आए हैं, एक लड़का है सूरज, कई दिनों से चल रहा है मेरे साथ में, बोले अंकल जी मैं इंटर कॉलेज खेल रहा हूँ, बोले मेरे को भी सम्मान मिलेगा, मेरे को भी मान सम्मान मिलेगा। मैं बोले बेटा कॉलेज वाले के तुम्हारे पास कोई लिस्ट नहीं है, फिर नहीं बोले मैंने पैसे का लालच कौन मिला, सम्मान कर, मैं सूरज की फीलिंग समझ गया, मैं बेटा कोई बात नहीं, फिर तेरे को सम्मानित ही करूंगा। तो कॉलेज वालों को सम्मानित करने का हमारा कोई इस टाइम प्लानिंग नहीं थी, वो प्रोग्राम और रख रहे हो मैं सितंबर के अंदर, उसमें कॉलेज वाले ने सम्मानित करेंगे, फिर जो रहेंगे जो कमियां माना देखी गई है वो आगे पूरी करेंगे। तो इंटर कॉलेज के अंदर जूडो में सिल्वर मेडल आया भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, सतवीर कोच साहब है जो हमारे पुराने रेसलिंग
ट्रेन भी रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं सतबीर जी, उनको जो है सम्मानित करेंगे भाई। एक बार जोरदार ताड़ी बजा करो, उसने बताया करो, न्यू ना सोचियो भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ना आके सम्मानित करूंगा मैं पढ़निया ना भी। सूरज सनो बलवंत सिंह, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दो भाई, इंटर कॉलेज के अंदर सिल्वर मेडल लिया 3100 रुपए और एक सर्टिफिकेट भी दो इसमें, लेकर हम जो है इसको समाप्त कर रहे हैं पट्टे भगवान यूथ क्लब समाज सेवा फौज संगठन एनजीओ की तरफ से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थोड़ी बजाते करो। और सतबीर जी आप यहीं रहिए, अभी जाइए नहीं। एक और जो है भाई, देखो मैंने यहाँ पर जो है हमने बड़ा वो किया, मैं अपने स्पोर्ट्स ऑफिस में देके आया था ये, जिनके सर्टिफिकेट बच्चों के मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा था कि जो फेडरेशन से टच है, जो अपने खेल मंत्रालय से सरकार से रजिस्टर्ड है, जो नीति में आते हैं, खेल नीति में आते हैं, वो सर्टिफिकेट जो थे उन सर्टिफिकेटों को वेरीफाई किया गया और उस हिसाब से लिस्ट मेरे पास बन के आई है भाई। कहते कोई ने सोचा कि फौजी ने तो मैं छोड़ दिया भाई, देखो मैंने छोड़ा कोई नहीं, आज 42 बंदों की लिस्ट मेरे पास है, 43 होते तो मेरे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के रह गए थे जो उस नीति में खेल नीति सरकार की खेल नीति में जो सर्टिफिकेट नहीं आते थे, फिर भी मैंने उसका नाम इसके अंदर डाले, करने तो थोड़ा उसका मान सम्मान जरूर करेंगे भाई। तो इसमें हमारा ये है एक योगेश जागड़ा पुत्र ठाकुर चंद, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। इस लड़के ने नवोदय विद्यालय से नेशनल खेलनी है, रूरल गेम ग्रामीण खेल होते हैं जो उनमें कई नेशनल ये खेल का, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ इनके नाम से, योगेश जागड़ा पुत्र ठाकुर जी, एक सर्टिफिकेट और 3100 रुपए कैश प्राइज दे करके हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। और भाई अभी ये स्कूल वाले बच्चे, अभी हमारे बीच में मुझे ये नहीं पता, अगर कोई बच्चा, मैंने पूरी कोशिश की है कि पट्टी अफगान के ही बच्चे अपने जो है इसके अंदर हम ले रहे हैं। एक बार विक्रम डीपी साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, खुद इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार भी किए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं डुल साहब आपका, डुल आगे बसाए बसार में तो बड़ा वेरी गुड, यू भी डायलॉग मार देगा इसमें भी हमारे में, लेकिन इसने माइक दे बोली में, वेरी गुड, बहुत अच्छे बैठिए, आपका स्वागत है। वैसे VIP ज्यादा VIP होते हैं, बाद में आते हैं, ये पहचान होती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भाई जो बच्चे हैं कि मेरे पास मार्क लिस्ट आई थी, मैं तो खुद इतना, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम चल पड़ा सिस्टम या ग्रेडेशन आवे, मैंने किसी की ड्यूटी लगाई थी एक लड़की की, तो उसने जो है बच्ची ने ये सारा छांट के दिया था कि फौजी साहब ये उस हिसाब से, तो हो सके मिस्टेक कोई होगी होगी, बच्चे के भाग ही नाम ले जाएगा, कोई बात नहीं, जो रह गया टॉपर हो कोई भाई, मारे इससे ज्यादा नंबर थे तो मैंने बता दियो, सितंबर में फिर एक प्रोग्राम ऐसे रख रहा हूँ मैं, आप लोग मेरे को लगता है उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लोगे। ये सूर्यांश है भाई, सूर्यांश सनोप सत्यवान RKSD 95.2% नंबर है आप, अरे वाह। हमारे जो पूर्व सरपंच है धर्म सिंह जी, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई, ये छोटे से बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे, वेरी गुड। अच्छा डिस्टेंस रखो जी थोड़ा सा सरपंच साहब, ये डिस्टेंस रखो थोड़ा, तारियां। छोटा बच्चा समझ के हमको नाक दिखाना रे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, देखो एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, ठीक है। अच्छा एक और है भाई, सेकंड क्लास में आशु डॉटर ऑफ जसवीर, गीता पब्लिक स्कूल, अच्छा वेरी गुड, बबलू तेरा लिया, ये भाई 96.3% इसके नंबर है, हो सकता है किसी के 99-98 भी हो और किसी ने ना मेरे पास पे जॉब सर्टिफिकेट रह गया हो, मैं मानता हूं, लेकिन फिलहाल टॉप में 96.3% इसके हैं, और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार ताड़ियां। सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट भी देश में गले सर्टिफिकेट काट लिया करो गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई, 1100 रुपए से सम्मान हो रहे हैं बच्चों को जो 5वीं तक के, गले देखो सर्टिफिकेट बाद में नहीं काट लो, हवा सिंह हेडमास्टर इनको सम्मानित करेंगे, अलीशा डॉटर ऑफ जोगिंदर, कन्वा की छोरी तो बुलाओ उसने कड़े हुआ, आ जाओ बेटे आ जाए सरपावना, नेक्स्ट नाम बोलता हूं उसके बाद, सहाजदीप डॉटर ऑफ सुरेंद्र,
इसको महावीर जी करेंगे सम्मानित। आ बेटा वहां जा, इसका सर्टिफिकेट निकाल दो, प्राइज भी निकाल दो इसका। सजीत साहब संदीप का 1100 रुपये एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है बच्चों को। और बेटा जो तुम देखो ना, एक एक दो दो नंबर का फर्क है, ज्यादा को नहीं, खूब मेहनत करो, अगली बार सबका नंबर पड़ेगा। ये भाई साहसदीप डॉटर ऑफ सुरेंद्र, ये लिटिल फ्लावर स्कूल के स्टूडेंट है, 95.2% इसके मार्क हैं भाई, जोरदार ताड़ी बजाओ। सिर्फ 4 नंबर का ट्रेस के फुल बटा फुल एरिया लाडो, शाबाश। देख ऐसे ऐसे बच्चे हमारे गांव के अंदर हैं, वेरी गुड। हाँ जी भाई, 5th क्लास में कोमल डॉटर ऑफ दलजीत, गीता पब्लिक स्कूल, 96% मान करेंगे भाई। आ जा बेटी, ये अभी कोमलात बेरा पट्टा का, देख किस किसके बच्चे से आ रहा। आ जा बेटा, शाबाश, क्या बात है। चलो भाई महेंद्र ढोला, तो मन मेरे था जितेंद्र भी आ जाओ कोई सा, महेंद्र ढोला जी इनको समाप्त कर रहे हैं। और भाई एक और है, सगन है डॉटर ऑफ सुरेश कुमार, ये गीता पब्लिक स्कूल के, दोनों के 96% नंबर थे, तो इन दोनों बेटियों का इनाम रख दिया मैंने, मगा छोरी है भाई की मैं बात नहीं, इन दोनों को ही 1100 रुपये दे दिए, एक की क्लास की है ये, एक या गीता स्कूल की है और दूसरी कौन सा स्कूल की है, हाँ दोनों गीता की है भाई, और नंबर बराबर ले रही है दोनों की, दोनों का 96% जमा सलाह करके एक भी पतला को, वेरी गुड। 1100 रुपये से सम्मानित किया जा रहा है इनको भाई। ताड़ी गले बजाया करो, ताड़ी भी नहीं बजा सकते आप लोग, कमाल है, एक परफॉर्मेंस करवा देते हैं बीच में। बेटा है रेडी अपनी करनी है, क्या नाम बोलो, हिमांशी मानसी, ही गल नेक्स्ट ला दिया अपने भाई, मानसी है हमारी ये गुड़िया, एक बार जोरदार ताड़ी और बजाओ उसके नाम। आजा बेटी, एक परफॉर्मेंस और बीच में आप लोगों के बीच में, इनका भी मान सम्मान साथ साथ होते रहना चाहिए, क्योंकि कल्चर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने हरियाणा की पहचान है ये, दामन कुर्ता चुंदड़ी बुरले कड़ी छड़कले झांझर न्योरी पाती कांटे बेटा सारा मेरा मन, वेरी गुड। लगा भाई 5-4 मिनट बच्चों, साइड हो जाओ पीछे आ जाओ। अरे भाई एक लाइट का इंतजाम कर दो, जो 5-7-10 मिनट बाद तू भी प्रोग्राम खींच के, अपने प्रोग्राम में कोई टेंशन नहीं, आराम तक करांगे, और सारे बच्चे यहाँ से इनाम प्राप्त करके जाएंगे बेटा, और ये प्रोग्राम संपन्न होने के बाद ही यहाँ से जाएंगे हम सभी, बीच में उठ के यहाँ से कोई ना जाइयो। क्योंकि नीचे से लगे हो मैं आले बड़े यहाँ पर जो है ना, ये स्टेट लेवल इंडिया लेवल के बच्चे भी अभी सम्मानित कर रहे हैं, उनका भी हम लोगों ने ताड़ी बजाकर स्वागत करना, कहते अपने अपने नाम लेकर तब चलते बढ़ो। ये भाई 7th क्लास में दीपेंद्र सन ऑफ जय भगवान, OSDB पब्लिक स्कूल का बच्चा है, और भाई 99.05% नंबर है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई। हरी कपूर कमेटी मेंबर है हमारे, ये उनको जो है इनाम राशि दे के स्वागत करें, 2100 रुपये और एक सर्टिफिकेट दे करके भाई, दीपेंद्र सन ऑफ जय भगवान, बटे बहुत बेटा जाए तो चश्मे चढ़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बास्केटबॉल का खिलाड़ी भी है, दो इनाम लेगा जागा बस भाई, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भाई अभी स्पोर्ट्समैन की भी देता लिस्ट के लिए, दोनों बारी बट्टा चल दो, इसका बच्चा के स्पोर्ट्समैन अभी करा देंगे, ले गया कड़ा तो कुछ निशान लगा देते ना, जो समझ तो लिया, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये नैन्सी होगी के, नैन्सी है ना भैया, नैन्सी है डॉटर ऑफ सतपाल, कुरास गेम है जो जूडो का ही दूसरा पार्ट गेम होता है कुरास, और ये जो है ब्रॉन्ज मेडल है इसका हरियाणा राज्य के अंदर, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, एक सर्टिफिकेट और 3100 रुपये दे के इस गुड़िया का मान सम्मान हम कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताड़ी हो जाए, छोरी का नाम था, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
मैं मेरे नाम है के वेरी गुड किया हुआ था नैन्सी हमारे कुरास के अंदर स्टेट लेवल पे मेडलिस्ट है और अभी इसने उसी टाइम पहले प्रैक्टिस शुरू की थी और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। जूडो के अंदर भी ये पदक जीत चुकी है और हमारा आने वाला भविष्य है हमारी बेटी। अरे बेटा मैंने चाय बनाने के लिए कौन भेजा था, सुंदरी सी बढ़िया दिख रहा था बनाने के लिए चाय, ठंडी हो रही होगी। अमन और रेसलिंग प्लेयर अमन सनोप श्री ओम प्रकाश आप आए और अमन को सम्मानित करेंगे हमारे करमवीर फौजी 3100 रुपए की नगद राशि और थोड़ा इसकी स्टेट में पोजीशन थी वो सर्टिफिकेट नहीं आया अभी, अभी इसकी थोड़ी समस्या थी, इसको बोल दिया है कि सितंबर के अंदर दोबारा जब हमारा ये प्रोग्राम होगा तो उसके अंदर इनको दोबारा सम्मानित किया जाएगा। और अमन का मैं बता देता हूँ आपको, कुश्ती में स्कूल नेशनल गेम में भी इसका मेडल है, तीसरा स्थान इन्हें हासिल किया था स्कूल नेशनल के अंदर। नेक्स्ट है परविंदर पुत्र श्री दिलबाग वुशु के अंदर स्टेट लेवल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। परविंदर जल्दी आए बेटा, और जो ये आपके गांव में पहल की है करमवीर फौजी ने ये सराहनीय है और आने वाले समय में हम आशा करते हैं यहाँ आज यहाँ हजारों के उसमें जो पैसे बांटे जा रहे हैं कभी समय आएगा यहाँ लाखों में भी पैसे बढ़ेंगे, हम पर बच्चा लाखों बढ़ेंगे पर बच्चा। हाँ जी परविंदर पुत्र दिलबाग वुशु के अंदर तीसरा स्थान। और एजुकेशन वाले बच्चे सेवेंथ क्लास में दीपेंद्र हो गया, देवांश पुत्र श्री मुकेंद्र ग्यारहवीं क्लास में है में इसके 90.9 ए प्लस नंबर हैं। राजा जी आए, राजा जो कमेटी मेंबर है क्लब के आप आए प्लीज और देवांश को सम्मानित करें। और इसके बाद अंजलि अंजलि पुत्री जसविंदर बारहवीं क्लास में इसने भाई जो अंजलि है ये गुड़िया वेरी गुड बेटा ये 12th क्लास के अंदर डॉटर ऑफ जसविंदर सिंह है भाई 482 नंबर है इसके, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। जीपीए 10 में से 10 जीपीए है इसके, वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा। ये 500 में से है, 500 में से 482 नंबर है भाई, सिर्फ इसके 18 नंबर कटे हैं पूरे बेटा पूरे, यानी हर सब्जेक्ट में सिर्फ दो दो नंबर कम रहे हैं इसके, पूरे बेटा पूरे नंबर है। 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और भाई 5100 रुपए देके जो है हम इसको सम्मान कर रहे हैं और एक सर्टिफिकेट के साथ बेटा वेरी गुड, आगे और अच्छे अंक लेके आओ और आप सर लगेगी बेटा बढ़िया कर। भाई सुनो एक और सूचना, एक मिनट देखना आप कितने बढ़िया बढ़िया काम अपने गांव में चले हुए हैं तो अपने को पता ही कोई नहीं। ये भाई प्ले वे स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल है एक संस्था है अपने पट्टी अफगान, जो बलवान सन ऑफ दयानंद पट्टी अफगान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनरी शुरू की हुई है पहले से। हर संस्था और खिलाड़ियों देखो खिलाड़ियों के लिए ये भी आगे पहले आए हुए हैं, मैं कहूँ पहल करने की जरूरत है। ये संस्था और खिलाड़ियों की सहायता करती है जो खेलते समय चोट का शिकार हो जाती है, इंजरी हो जाता है कोई प्लेयर, तो उसकी फुल सहायता इनकी तरफ से है प्लेयरों की तरफ से। संस्था अब तक 200 प्लस MRI करवा चुकी है, MRI पे कई हजार रुपए लगते हैं एक MRI पे और 200 से ज्यादा तो MRI करा चुकी है भाई, और 27 ऑपरेशन करवा चुकी है प्लेयरों के अपने खर्चे से। एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, ये अपने गांव की संस्था है, ये मीडिया वाले अगर यहां तो नोट करके जाना इस बात को। और 50 से ज्यादा फिजियोथेरेपी खिलाड़ियों की जो है करवा चुकी है संस्था। अच्छा सैमी कैमरा और 24x7 कबड्डी का लाइव करा कर बेटा मैंने, बहुत बढ़िया भाई बहुत ही दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ खिलाड़ियों के लिए। देखो खिलाड़ी जो होता है ना वो अपने पूरे गांव का होता है, पूरे राज्य का होता है, पूरे देश का होता है, एक खिलाड़ी नहीं ना सोचो कि खिलाड़ी फलाने का खिलाड़ी। खिलाड़ियों के लिए भाई देखो आप कितना प्रयास कर रहे हैं और मैं आज इस मंच के ऊपर ऐलान करता हूँ बेटा, कोई भी खिलाड़ी
अगर खेलने के लिए जाता है किसी खिलाड़ी को, अगर किट की जरूरत है, चाहे गांव के 20 बच्चे हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, ट्रैक सूट, जूते, जुराब मेरे पास से लेके चला जाना। खेलने के लिए जाते हैं, किराया अगर नहीं है किराया मेरे से लेके जाना, खुराक नहीं है तो मेरे पास आना, मैं जो है जूस बांधूंगा, चाहे कुछ भी मर्जी करना पड़ो, चाहे मैंने गाने गा के पैसे लाने पड़ो। भाई मैं चाहता हूँ जैसे हमारे बेटियां चैंपियन बनी है, हर एक के बच्चे ऐसे चैंपियन बने, स्पोर्ट्स में जाए, अगर चैंपियन भी ना बने तो अपना शरीर से स्वस्थ रहे, अट्टे खट्टे रहे, उनका डिसिप्लिन, उनका अनुशासन जो है ठीक रहे। क्योंकि मुझे पता है गाँव माड़ा नहीं, हमारी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें आगे आने की जरूरत है। आप ये जितने बैठे हैं, ये सारे, ये सब आगे आने के लिए तैयार है, सिर्फ एक पहल करने की जरूरत है। और आगे भाई भाई, इसके बाद आठवीं में है श्रुति, आठवीं में इसके 98% नंबर है ओएसडीएवी स्कूल से, श्रुति पुत्री धर्मवीर आए बेटा, और कलम कमेटी मेंबर विनोद वकील आप आए प्लीज। 2100 रुपए की राशि और प्रमाण पत्र क्लब के द्वारा। श्रुति पुत्री धर्मवीर ऐ मेरे वतन है तुझको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जन्म, जो मिट भी जाऊं मैं तेरी शान पे, जो मिट भी। और इसके बाद यस्मीन पुत्री राजेंद्र, जिसने छठी क्लास के अंदर 95% अंक हासिल किए हैं, गायत्री स्कॉलर्स होम स्कूल से है, और इसको सम्मानित करके हमारे बीच जयप्रकाश जी आप आए, जयप्रकाश एडवोकेट प्लीज आप आए और यशमीत को सम्मानित करें। यशमीत पुत्री राजेंद्र भाई सब पूरे कोच साहब भी आ रहे हैं स्टेज पे, मास्टर भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, वकील साहब की कमी महसूस हो रही है, आप पीछे खड़े हो, कमाल की बात, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, ये तो आगे आओ फटाफट आते रहो, आ जाओ। ये यशमीत भाई बेस्ट स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 2100 रुपये की जो है सम्मानित राशि और एक सर्टिफिकेट इस गुड़िया के ऊपर, जोरदार ताली बजाते करो भाई, बच्चों ना से तो भाई कबड्डी के पटाई में तो गया मैं तेरी शान पे, तेरे खातिर मैं ले लूं दोबारा जन्म, ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर बीते ये मेरा जन्म, जो मिट भी गया मैं तेरी शान पे, तेरे लेके दीपेंद्र। अब ये गुरप्रीत है भाई, गुरप्रीत ये जो 10th क्लास की गुड़िया, 10th क्लास की गुड़िया गुरप्रीत आई बेटी, गुरप्रीत आई है, और बेटा एक कन्वर भी उड़ेगा नहीं कंपनी का, बेरवाल का आया हो, चल ठीक है तू तो आ जा भैया। छोरी है जो 480 नंबर ले रही है 500 में, तो भाई 500 में तो 480 नंबर ले रही है, बेरवाल कॉलोनी से है गुरप्रीत, डॉक्टर सत्यवान बेरवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटी। सुभाष है भाई कमेटी मेंबर आए, और इस गुड़िया का जो है कौन सी क्लास है, यह 12वीं है 10वीं, 5100 रुपए दे के मान सम्मान करें भाई, 5100 रुपए और एक सर्टिफिकेट। और भाई कुछ करी भाई, रोशनलाल पीटीआई जी मैं पहले भी बार बार अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, अब आप आपके शिष्य हैं, आप ही हमने जब ये छोटे छोटे बच्चन जैसे मैं सम्मानित कर रहे हूँ, आप हमने लेके जाया करते, खिलाया करते, कुश्ती कबड्डी हम आप लोगों के कामयाब करे हो यहाँ, तो आप लोग भी मंच पे आए। देखो भाई दिशा निर्देश रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरुजन होते हैं, हमें कह कह गए स्पोर्ट्स का पता नहीं था, मैं इस मुकाम पे हूँ तो स्पोर्ट्स की बदौलती हूँ, मैं आपको बता दूँ मुझे कुछ नहीं पता था, बात दिशा होया करते, और हमारे अब तो इस दुनिया में नहीं रहे हमारे कोच मेवा सिंह जी, जो गांव के बहुत बच्चे उन्होंने कामयाब करे, जिनमें मैं भी शामिल था, खिलाने के लिए ले जाया करते थे, नेशनल लेवल का प्लेयर बन गया था, मैं मेडल आ गया था, और मेरे को उसी से आर्मी में चला गया था, और वहां थोड़ा बहुत आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आप लोगों के बीच में आए, तो हम भी चाहते हैं इसी प्रकार से बच्चे और भी आगे बढ़े। और ये भाई देखो मैंने बताया था पहले कि हम जो है स्कूल के बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं, आज मैं इन छोरियों की ड्यूटी लगाऊं था, बेटी तने ये करना, तने ये करना है, तो एक देखो मुझे पहले नहीं पता था, वह लड़की ने बोली कि अंकल जी देखो मुझे लालच कोई नहीं, कहा बेटा बता कि जाट कॉलेज में हर बार की जो मैं टॉप पर रही हूँ बीएससी की पढ़ाई बहुत खतरनाक होती है, आपको पता है, जोरदार ताड़ी बजाओ, ये लड़की बीएससी की टॉप पर रह के गई है, जिसका मैं भी नाम लेऊंगा जाट कॉलेज में, और फिलहाल एमएससी फिजिक्स कर रही है, ये एमएससी फिजिक्स गवर्नमेंट में इंदिरा कॉलेज पटियाला से,
अब अंकल जी बोले मैं जो है मतलब मैं लड़की की फीलिंग समझ गया। मैं बेटी कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ना ले, चिंता मत कर। तो मैं इसने आगे कुछ भी नहीं बोला था, तो उस गुड़िया को भी मैं समाप्त करने के लिए यहां पर बुला रहा हूं। ये मोनिका डॉटर ऑफ बलवंत सिंह है भाई, मोनिका डॉटर ऑफ बलवंत सिंह, बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी अच्छी ग्रेजुएशन है इसकी पढ़ाई में। एक बार जोरदार ताड़ियां बजा के स्वागत करा करो यार बच्चों का। और हमारे रोशन लाल पीटीआई जी, इनको जो है एक सर्टिफिकेट और 1100 रुपए की नगद राशि में इनको देके हम बिटिया को फिर मैं ले लूं दोबारा जन्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, ऐ मेरे वतन। भाई अभी फिलहाल ये जो है दिनेश पुत्र धर्मवीर, ये मोदी अभी मारा धर्म मेला आ जा। ये भाई ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है स्कूल स्टेट के अंदर, बॉक्सिंग गेम के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो 3100 रुपए रवि द्योरा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। अच्छा बेटा शाबाश, क्या बात है, एक बार जाओ दौड़दार ताड़ी, क्या बात है ये। देखो इसे ऐसे बढ़ जाओगे तो हम भी खा पी के घी खा के दूध पी के तारी माने कह करो कहते माँ दूध की फूलते बेचन की टाल करते रहे, इसे ऐसे हो जाओगे तो हम 3100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। सर्टिफिकेट है देख ले, कहते खर्चा ताऊ ने दिए को नहीं। अरे भैया सारे गिण लियो, अरे पाछे तो ना कहियो कदे कहते मैं कम दे दिए, गले लिफाफा खोल के गिण लियो। और ये भाई कुमकुम, ये गुड़िया कुमकुम है, मैंने शुरुआत करी थी इसकी जब मैं इसको बड़ा मोटिवेशन मैंने किया। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूंगा, कुमकुम पुत्री सतपाल, हरियाणा राज्य के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया इस लड़की ने, तृतीय स्थान और 3100 रुपये देकर और सर्टिफिकेट देकर जो है मान सम्मान करते हैं। और दीपक, दीपक जी आए, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। ये भी कबड्डी के बहुत तगड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और इन्होंने बहुत कंबाइन ट्रैक्टर बुलेटर वगैरह निकल के जीत रखे हैं। और बड़े शुक्रगुजार हैं कि जो मेरे एक बुलावे के ऊपर ये यहाँ पर आए हैं, और बच्चों को आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वेरी गुड, थैंक यू। ये बॉक्सिंग में लड़की बता दिया था मैंने, ये लड़की जो है बॉक्सिंग की है भाई जो लेके गई है। और अभी रेसलिंग के अंदर ये ना राजू सन ऑफ ईश्वर, ये रेसलिंग का प्लेयर है भाई, इस तरह का छोरा राजू, मन तो देखे पहली बार था यू आया, क्या मैं उसका हूँ इस तरह का मारे, तो इस तरह का पहलवान हो रहा। राजू सन ऑफ ईश्वर ये भाई हरियाणा राज्य के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त करके जो हमारे बीच में है, और 5100 रुपए और एक सर्टिफिकेट देकर हम इस बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार ताड़ी बजा दिया करो बेटा, ये चाय डाल के दे दो उसको, और इसको सम्मानित करेंगे। फिलहाल डीपी है अपना शिक्षा विभाग के अंदर और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है ये बॉक्सिंग के। हाँ ये जो है मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल चैंपियन है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ इनके नाम से। वेरी गुड, और कोच भी है तो कई तरह के मास्टर भी हैं। अरे तन्ने मतलब जिंदर कहने सोलह पक्का बोल भाई, सोलह गांव से है। हाँ जी सोलह गांव के यार, ये डूल साहब है भाई, वेरी गुड डूल साहब आइए, डोला का नाम पवित्र बढ़ा सकते के चक्कर है। आ, मैं भी डोलेगा बसा बस हूँ, इनको सम्मानित करेंगे हमारे डोल साहब। हो गया अभी भाई दीपेंद्र पुत्र जय भगवान, बोर्ड का फिर आ गया छोरा बेटे रे, क्या बात है, खेलो पढ़ो आगे बढ़ो, आजा थोड़ा जोश तो आएगा, एक बार खेलने में जोश दिया, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भाई। पढ़ाई के अंदर भी ये छोरा फर्स्ट नाम ले गया, और खेलने के अंदर भी दीपेंद्र पुत्र जय भगवान, बास्केटबॉल के अंदर हरियाणा के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट है भाई। जोरदार ताड़ी हो जाए इसके नाम से, 5100 रुपए फिर और एक सर्टिफिकेट देके हम इसको समाप्त कर रहे हैं। राजेश जी एंड बॉल कोच, राजेश जी आइए एंड बॉल कोच। राजेश जी दीपेंद्र को इनाम दे रहे हैं भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ। दीपेंद्र पुत्र जय भगवान, 5100 रुपए सिल्वर मेडलिस्ट बास्केटबॉल के अंदर भी यही छोरा ई बाजा बेटा। और भाई और राजेश जो है ये अमा एक मैं भी पहला हैंडबॉल खेलने जाया करूं था, उस टाइम कुरुक्षेत्र से आया था, इसका तो मेरा नहीं याद है कि नहीं है, बोले मैं हैंडबॉल खेलना चाहता हूं अपने पुराने कोच दाड़ी क्या होता था नाम का, हाँ बहुत अच्छे उन्होंने बहुत प्लेयर तैयार किए, मैं जब उनके पास प्रैक्टिस करता था, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी सी कम थी तो मेरा मजा नहीं आया हैंडबॉल में, ये तो चैंपियन बन गया, आज डीपी लग रहा है। और भाई हम जिसने भी आपके सामने हैं बेरोजगारी है फिलहाल। आरती डॉक्टर प्रेमचंद आओ जी, आ जाओ आरती है ये प्रेमचंद भाई, ये जो है हरियाणा के अंदर गोल्ड मेडल लेके जूनियर बॉक्सिंग के अंदर और नेशनल पार्टिसिपेट करके आई है,
11,000 रुपए से हम इसका जो है सम्मान कर रहे हैं और एक सर्टिफिकेट देकर के और इसको समाप्त करेंगे। जोगेंद्र जूडो कोच, ये जोगेंद्र है भाई, ये आज जूडो कोच है खेल विभाग के अंदर, बहुत से जो है प्लेयर तैयार करेगा यू और अंतरराष्ट्रीय मेडल लिस्ट भी आई है। ये बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने गांव के अंदर है, बड़े अच्छे अच्छे कोच देखो लगे हुए हैं गांव के अंदर, 3-4 कोच बहुत बड़ी बात है। और कॉमनवेल्थ के अंदर इसकी स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम, कितने बड़े होते हैं कॉमनवेल्थ गेम, कोई छोटी चीज नहीं होती, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ, उसके अंदर इसकी स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट है। और आगे बढ़ते कितने प्लेयर तैयार करेंगे ये। और भाई परमजीत सन ऑफ सुरेंद्र हैंडबॉल के अंदर हरियाणा राज्य के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, 11,000 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं तूफा सुरेंद्र पहलवान, उनको जो है सम्मानित करेंगे भाई। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, परमजीत सन ऑफ सुरेंद्र ये हैंडबॉल का खिलाड़ी है और स्टेट चैंपियन है, 11,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट देके हम इसको जो है सम्मानित कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। अरविंद राजकुमार सन ऑफ रघुवीर, ये गुंदड़ी का है, किसी का धारा ना ध्यान हो भी कौन राजू है गुंदड़ी का भाई, एक स्टेट चैंपियन रहे बास्केटबॉल, इसके बास्केटबॉल में, और 11,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट दे के हम इसको सम्मानित करें, एक बार जोरदार ताड़ी बजाए करो गले गले यार। और इसको बलजीत, जो बलजीत है ना इस होल्डर है अपने पट्टी भगवान के जूडो कोच, जो है ना इस करके जूडो कोच है, वो उनको सम्मानित करेंगे। बलजीत खड़े रहे, अच्छा चलो विजय डीपी साहब हैंडबॉल के जो है कोच कह लो मास्टर कह लो डीपी कह लो इवेंट मास्टर बन गए, क्या बात है, एक बार मारो जोरदार ताड़ी मेरे कल्याण, ये सारे के सारे हम इकट्ठे खेलते करते अभी जो ये बेटा और भी रेडी है तू, अच्छा ठीक है माँ, अच्छा जो ये मेरे साथ लड़कियां आई हुई हैं जो ये कुछ वाली इन्हें पूछ बेटा ने बुलाया एक परफॉर्मेंस बीच में करवा देते हैं, ये नाम की राशि तो अभी और भी है चलती रहेगी, वेरी गुड बहुत बढ़िया क्योंकि पूरा टाइम है जो हमारे स्टेज पे बैठे हैं ना भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी पहलवान जी प्रैक्टिस पर थोड़ा लेट कर लियो, आज चाय आ गई या ताती जाए हुआ होगी, हाँ मगर देव उसमें तो ठंडी होगी होगी, चाय पिला सभी ने, पानी पिला पहला फिर चाय पिला, बहुत बढ़िया भाई। अभी देखो शुरुआत हमने कर दी भाई सिस्टम की, अभी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कितना कुछ कर लूंगा, ये तो सुन रहे 40-50 छोरे मेरे अगले जुड़ गए, धड़ाधड़ा इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने जमा दिया और कोई बात नहीं परमात्मा है देने वाला। अच्छा अच्छा हाँ सची मेरा ध्यान आ गया भाई, हाँ लड्डो आ जा, जो अभी ये गुड़िया हमारे बीच में आई थी मैं बता रहा था आपको, ये की बीएससी टॉपर रही है हर बार जाट स्कूल की, और अभी ये कविता लेके आप लोगों के बीच में आ रही है, और भाई देखो ये तो टैलेंट होता है, बहुत बड़ी बात है स्टेज पे बोलना, पंजे कांप जरूर है मेरी, खैर तो खैर रोज की प्रैक्टिस है लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है इस मंच पर आना बोलना, कविता बोल लेगी ये गुड़िया, और भाई ताड़ियों से हौसला बजाई करिए छोरी की, खुदे बनाई यार भाई इसने, या राइटर भी है, आई तो मेरे खतर गान लिख देखना बेटी फिर हैं भजन लिखा कर, वेरी गुड एक बार बजा दो ताड़ी भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज मैं मोनिका डॉटर ऑफ बलवंत सिंह आप सबके सामने एक पोयम आजादी के ऊपर सुनाना चाहती हूँ, आशा है कि आपको पसंद आएगी। आज दिन है 15 अगस्त का, 73 वर्ष पहले देश को मिली आजादी थी, इसी आजादी के लिए तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने झूली फांसी थी, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था आजादी के लिए, क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को आजादी के मुकाम तक पहुंचाया था, जाते जाते भी अंग्रेजों ने अपना गंदा खेल दिखाया था, बांटो और राज करो से देश को टुकड़ों में बंटवाया था, 15 अगस्त 1947 को ही तो देश खुल के सांस ले पाया था, इसी एहसास के कारण तो विकास और उड़ान भर पाया था, वीर जवानों ने देश को सहारा है और किसान ही तो देश की भूखमरी से उभारा है, आजादी को बनाए रखने के लिए वीर जवानों ने देश की जान की बाजी लाई है, आज हम जो भी खा पी रहे हैं वो किसान के खून पसीने की ही तो कमाई है, विचारों को रखने की अगर अब हमारी बारी आई है तो उन्हें अच्छा और सच्चा बनाने की जिम्मेवारी
जिम्मेवारी भी तो हमारी है। थैंक यू। वेरी गुड भाई। अभी हमारे बीच में जो है एक पेगा गांव से है, बहुत बढ़िया टॉप पहलवान है, 90 केजी के अंदर, जो दूप सिंह जी का बता रहे थे आप, जैकी श्रॉफ की जो उसमें थे, जैकी श्रॉफ वाली टीम में 90 किलो में जीत के आया था, जिसमें दस्तखत करवा ले जाते हैं करो या मरो, उस फाइट के अंदर पहलवान था वो। और हमारे पीछे खड़े पहलवान से प्रार्थना करता हूं भाई, पहलवान जी मेरा ध्यान नहीं गया था, मैं माफी चाहूंगा, आप मंच पे आइए, मंच पे आइए। देखो आप जैसे लोग तो एक शोभा है, एक प्रेरणा लेंगे आप जैसे बच्चों से, तो ये जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दिया करो भाई। देखो ऐसे ऐसे पहलवान बन जाओ, खा पी के नशा में ना बढ़ो, ईर्थान है किसी ने पूछ ले रहा छोरे किसका है, बोला फलाना का हूँ, कितनी उम्र है 18 साल, बगो अरे वजन कितना, 44 किलो अंकल जी, रे डूब के मर जाओ, 18 साल का जवान, 44 किलो वजन, इसे जवान थे अपने हरियाणा में। देखो जिन्होंने संभाल के रखा अपना शरीर को, ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, एक बार फिर जोरदार ताली चाहूंगा मैं आप लोगों के बीच में। और अभी भाई मेरी जो है पत्रकार आए हुए हैं, थोड़ी सी मेरी बाइट लेनी है, कुछ पूछना होगा, 2 मिनट के लिए मैं इनके साथ जाऊंगा। और आप जो है बेटी इधर आ जाओ, ये जो कल्चर एक्टिविटी वाली लड़की, आ जाओ बेटा, कोई परफॉर्मेंस तुम करो जब तक, बेटो पहलवान जी टेगा भी विशेष लगा हुआ है हमने, वो बता दे भाई बराबर बैठे, महावीर बता दिए तुम, आ जाओ नीचे, जगह को नहीं, चलो फिर ये लोग आए देख लेंगे बजाय जाएगी ताड़ी, चलो फिर आड़े आन दियो ध्याती को देसी इनके समझ। ढक ले लंबे बाल है कदे नजर न
के लिए, उसके लिए मैं पहलवान कुलदीप जी को इनवाइट करना चाहूंगा। आप आए प्लीज, बच्चे को सम्मानित करें। साथ में कल्चर एक्टिविटी चल रही है और मौसम भी बहुत बढ़िया बने हुआ है। अरे बच्चा थोड़ा हौसला बदल रहा है कि मैं अच्छा लग रहा है ना? हाँ बेटा अच्छा ही लगेगा। अभी पत्रकार भी बहुत बढ़िया बोल के गया कि फौजी साहब मान गए आपको, बहुत बढ़िया बाइट चलेगी आपके गांव की। और ये राहुल बना जाओगे, साहिल है भाई, साहिल सनो बलजीत, ये स्टेट चैंपियन है भाई बास्केटबॉल के, और 11,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट देके इसको जो हम सम्मानित कर रहे हैं, विजय रेसलिंग कोच, रेसलिंग कोच विजय पहलवान जी आइए और इन बच्चों का जो मान सम्मान बढ़ाइए। एक बार जोरदार ताड़ी बजा देख रो भाई, कले वेरी गुड बेटा। मैंने पहले भी बताया था स्टेट के अंदर इंडिया के अंदर मेडल लाओ या राशि अगली बार बदे की अगर टैक होने की गारंटी है, बस खेल लो। और इसके बाद मनदीप सनोह बलबीर, मनदीप सनोह बलबीर ये बास्केटबॉल के अंदर भाई ये भी स्टेट चैंपियन रहा है लड़का, गोल्ड मेडल है इसका। गुरमीत कोच साहब इसको जो है बॉक्सिंग कोच गुरमीत है, इनको सम्मानित करेंगे 11,000 रुपए देके और एक सर्टिफिकेट देके। वेरी गुड, हाँ ताड़ी गल्ला होनी चाहिए, ताड़ियां गड़गड़ाते हैं भाई बंद होनी चाहिए, गुरमीत लाडो ताड़ी क्या देनी चाहती है। वेरी गुड। और भाई हाँ रजन जाके बेटा ये कौन वाला है कौन के तू आ जा फिर उसका जाके दे दिया सर्टिफिकेट। अरे नाम आ जा बेटी, ये भाई इंडोस पब्लिक स्कूल का ए प्लस ग्रेड लड़का है, कांटा मैंने खेलना तो लेकिन कांटा न मारो, जाके दे दियो, कहते आप पॉइंट थे जी, अब सेट थे, कोई मैसेज कौन गया होगा, हाँ कौन गया होगा, कोई बात नहीं। सुनीता देवी जी हमारी जो सरपंच है आंटी जी, आइए आप इस गुड़िया को समाप्त करिए, कुनवर का नाम का बेटा दे दिए, किसका है कुनवर पवन का, हाँ बेटा कह दिए फिर है। वेरी गुड, इनको भाई 1100 रुपए और एक सर्टिफिकेट देके जो है सम्मानित कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी बताइए, आठ बॉल कोच करेंगे इनको सम्मानित। अच्छा ओके, रजत पुत्र सुरेंद्र बास्केटबॉल से है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 11,000 रुपए और एक जो है सर्टिफिकेट देके, प्रशांत एंडवाल कोच है, जो प्रशांत एंडवाल कोच इनको सम्मानित करेंगे भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजा देंगे। ये तीनों बैंड भाई स्टेट गोल्डिस्ट है, क्या बात है, मारो जोरदार ताड़ी, नमोजोगी, क्या बात है, क्या संस्कार है बेटा, कितनी अच्छी सोच तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मम्मी डैडी को भी सलूट है। और भाई ये हाय हाय ये भाई क्या बात है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सिमरन या मेरा लड्डो है ये सरबंदी आवेगनी, डॉक्टर ऑफ करमवीर, वेरी गुड। आजा स्टेट में भी कई मेडल कटवा रखे हैं इसके मित्र ने, सब जूनियर मैरिफ के दो दिन बच रहे थे कोरोना के, इतनी तगड़ी तैयारी थी, नेशनल के अंदर गोल्ड की तैयारी थी, छोरी की दो दिन बच रहे थे, इतना कोरोना लग गया, फुल तैयारी करवा दी हमने। वैसे सीबीएसई स्कूल नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल है इसका, स्कूल नेशनल के अंदर इसका पार्टिसिपेट है, और हरियाणा स्टेट के अंदर बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल है, 11,000 रुपए देके इसको कहा रहे, और एक सर्टिफिकेट देके हमारे धर्म सिंह सरपंच जो है, धर्मा सरपंच हमारे गाँव के पूर्व सरपंच है, आशीर्वाद दो जी बच्चों को, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दिया करो भाई। वेरी गुड, और मैं बिटिया से थोड़ी सी मंच मुंच पे भी बोल लिया थोड़ी सी आई मैं इसने बोल, ना ना बेटा देख नहीं हूं तन्ने कौन जान दू, और तो मैं शीतल ने बोलू ना शिवानी ने बोलू, थोड़ा सा बेटा दो बात बोल लेगी स्टेज के ऊपर तो बिना पटका, एक तो चाल पड़ बाबू की लाइन पे माइक पकड़ के बोल लिया करो। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हम हौसलों से उड़ते हैं। हमारा युवा वर्ग हमारे गांव की रीढ़ की हड्डी है, किसी भी देश को आगे ले जाने में उस देश के युवा वर्ग का हाथ होता है। युवा उनको कहा जाता है जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच हो, लेकिन युवा शक्ति की सही दिशा में मोड़ना एक चुनौती है, और जहां युवा शक्ति को सही दिशा में मोड़ा जाता है वहीं पर नई ऊंचाइयां नापी जाती है। आज हमें इस देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है, तो हमारा फर्ज बनता है हम शान की जिंदगी जिए और देशभक्ति की भावना अपने दिल में जगाए रखें,
और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते रहें, क्योंकि वतन है तो हम हैं, वतन नहीं तो हम नहीं। कुछ युवा गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा तो ये देश बिखर जाएगा। आज के युवाओं को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाती हूँ, कुछ को तुम जगा दो। तो अपनी सोच हमेशा ऊंची रखो और अच्छा सोचो, क्योंकि अगर एक साल के बारे में सोचते हो तो फसल उगाओ, यदि 10 सालों के बारे में सोचते हो तो फलदार और छायादार वृक्ष लगाओ, और यदि पूरी जिंदगी के बारे में सोचते हो तो इन युवाओं को संस्कारी बनाओ। देश आजाद करवाने के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे कई युवाओं ने क्रांति की ऐसी चिंगारी भड़काई कि अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। आज भी हमारे देश में ऐसी क्रांति की जरूरत है, इसके लिए आज के युवाओं को आगे आना होगा। आज के युवाओं में साहस और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यदि कमी है तो उनको सही रास्ता दिखाने की। यदि आप चाहते हो कि गांव का नाम और ज्यादा चमके तो युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति जो भी जिम्मेदारी बनती है उसका पालन करें। एक युवा के अंदर पर्वत सी विशाल शक्ति होती है, इस शक्ति का प्रयोग करके वो देशभक्त भी बन सकता है, एक अपराधी भी बन सकता है, एक नेता भी बन सकता है, और इस शक्ति का प्रयोग करके वो एक उच्च कोटि का खिलाड़ी भी बन सकता है। लेकिन अंतर केवल सोच का होता है। कुछ बच्चे अगर गलत संगत में जा रहे हैं तो ये स्थिति देखकर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको सही रास्ते पे लाने के लिए सोचना चाहिए। तुरंत हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, तो हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। हाँ जी है, कुछ भी पहले मैं तो बस ये कपड़े कपड़े रहे, बाकी सारा सौदा साफ कर दिया, मैं तो झाड़ पे छोड़ दिया। अच्छा जी अपना निकिता, निकिता अजय बेबे, वेरी गुड। डॉटर ऑफ राजेंद्र, राजेंद्र ये बॉक्सिंग के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ब्रोंज मेडल लेके आई है भाई, कांस्य पदक जीत चुके हैं, फिलहाल साई सार के अंदर है और स्टेट के अंदर इसके कई मेडल है, ये इंटरनेशनल बनने वाली खिलाड़ी है भाई। हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस बच्ची का जो मैंने देखा है ना टैलेंट, इसके जो मुक्के चलते देखे हैं बहुत खतरनाक है, हौसला देख रहे हो गांव के बच्चे ने। और भाई हमारे जो हैं, हाँ जी गुरमीत कौर साहब भी आए और राजेंद्र भी आए, विक्रम जी भी आए, तीनों कौर साहब आए और इस गुड़िया को जो है सर्टिफिकेट और 11,000 रुपये दे के इस गुड़िया को सम्मानित करें भाई। 11,000 रुपये और एक सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करें इस गुड़िया को। लगा फोटो उतार दे, माफ करी साइड में। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई देखो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोग्राम चले हुए हैं, और मैं पहले भी अनाउंसमेंट कर चुका हूं, मैं इम भी अनाउंसमेंट करूं, इस कार्यक्रम की जो है पहल करने की जरूरत थी गांव के अंदर, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, मैंने पहले भी बाल इकट्ठे करने की कोशिश करी लेकिन बात मेरी बढ़ नहीं पाई। और बाहर मैं प्रोग्राम करता हूँ, बाहर सोशल वर्क भी करता हूँ, कभी तो हम जो ना सोचियो के फौजी तो आज यू प्रोग्राम कर कर बालकाल इतने पीछे करते बांट रहा है। मैं आप खबरों के अंदर भी देख सकते हो, कलायत के अंदर कैंसर पीड़िता लड़की थी, 3 घंटे के अंदर 3,50,000 रुपये गाने गा के इकट्ठे करके मैं उस लड़की को दे के आया। पीछे अर्चंदाणा गांव दूर को नहीं पूछ लेना, प्रजापतियों की लड़की थी, बीकानेर से ट्रीटमेंट चल रहा था और गाने गा के 1,61,000 रुपये इकट्ठे करके उड़ा देकर आया था। लेकिन गांव के अंदर हिम्मत करने के लिए इतना चौड़ी छाती चाहिए, और मैंने करी, किसी का दरवाजा खटखटा खटखटाना कोई आसान बात नहीं है, ना मैं किसी का वोट लेने गया, ना मैं किसी का पीछे लेने गया, और मैं किसी ने कह भी गया और मैं किसी का दरवाजा खटखटाऊं, दोस्तों आपने पता है किसी के बारे में जाओगे तो किसी प्रकार का मुड़का आदमी मिल सकता है। लेकिन मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, बड़े अच्छे भाग लगा लो या इस गांव की तरक्की लगा लो, जो मैं सोचू था डरू था जिस चीज से वो बिल्कुल मेरे को ऐसा नहीं पाया। धर्मा सरपंच जी के पास गया, बहुत सराहना करी, बोले फौजी साहब बहुत पहले आ गया जाना चाहिए तेरे जैसे बच्चों को। और मैं जिसके भी पास गया हूँ, अपने जो अपने ये
बैठे हैं जितने स्टेज के ऊपर बुला रखे हैं, सभी ने मेरा खूब हौसला बताया भी कामड़िया ने, किसी ने मेरे को एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि तू क्या करेगा कैसे है, आई का बीच में अगर अपने गांव में मेरी क्या सिस्टम चल रहा है, जड़े भी पर्चे लड़ जावा तो खड़े होगा, अरे मैं कहा पढ़े तो ले भाई ये लिख रहे हैं इसमें जड़ा जावा तो लड़ेगा इलेक्शन, अरे भाई मन ने कह दिया नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तीन बार बोल दिया, इसीलिए कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि फौजी का कोई स्वार्थ छिप है, मेरा कोई स्वार्थ छिप नहीं छिपे बेटा, यूं साबित काम खड़ा है, अगली साल इस स्टेज पर फिर प्रोग्राम होगा, कोई भाई गल्ला मिले गांव के बच्चे खातर तो मिल जियो, नहीं ये जो राशि है या बदेगी या घटेगी भाई, बस सीधी सी बात है, लगोगे तो गांव के बच्चे भाई अपने बच्चे जैसे अपने कामयाब करें, हम सवा सारा गांव के बच्चे कामयाब होने चाहिए भाई, ये आप लोगों के अंदर भावना आप लोगों के दिलों के अंदर आज बैठ जानी चाहिए, अगर आज आप लोगों के दिल में ये भावना नहीं बैठेगी तो समझ लो फिर कुछ नहीं हो सकता इस गांव के अंदर, आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते, ये जो बच्चे बैठे हैं मैंने पता है किसी का इनको बहुत कई बच्चे हैं ऐसी वैसी बात भी करें, देखो भाई मछोर बुद्धि है, अब कमेटी बना लो फिर अपन न्यू कर देंगे, कोई न्यू नहीं कर सकेगा, हमने कोई मतलब नहीं है भाई, किसे वार्ड में कोई मेंबर बनो, गांव किसी ने खड़ा करो, गांव किसी ने सरपंच बनाओ, फौजी कर्मवीर अगर किसी की सपोर्ट करे, मेरी कमेटी का कोई बंदा अगर किसी की सपोर्ट करने स्पेशल जाएगा तो भाई मैं मेरी तरफ से मेरी कोई ऑर्डर नहीं है, मेरा कोई आदेश नहीं है उसके अंदर, कभी बोले फौजी ने हो सकता है कि भाई इनमें तो कोई सरपंच खड़ा हो जाए, मैं किसी ने कह नहीं आऊंगा मेरी कमेटी का इसने वोट दे दो, इस चीज से बिल्कुल दूर हूं भाई मैं, क्योंकि मैंने खाने को जब 5 रुपये भी नहीं सोचा कि 5 रुपये की भी मैं अपनी जेब भरूंगा कि भाई राजनीति में आके मैं अपने कोई धंधे छेड़ लूंगा, नहीं मेरा तो सिस्टम है को नहीं, हम तो बड़े समाज सेवा के लिए हैं, मेरे मुंह तक कोई गलत बात निकले तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि फुकड़ी सी हाथ में आवे बंदा बोल ले जाए मेरा निके मुंह तक निकल जाए और के चीज था मैं नोट करके चले जाऊँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, गाँव के अंदर एक रास्ता जो बना हुआ था जिसपे बच्चे चलने लग गए थे, बुरा ना मानियो मुझे बड़ा दुख होता है 18 साल के बच्चे पौवे पकड़ कर बेचने जावे, के बात भाई पूछ नहीं सकते गांव में बच्चा प्रॉब्लम के है, के बात है तो दूध बेचे तो दारू की बेचे, तेरे 1 लाख की झोटी बांधा तेरे पैर तो हमने बता काम इकट्ठा करके, लेकिन तो यू काम क्या तक करा है, बुरा ना मानिए भाई, कहते था हमने सोचो फौजिया बात क्यों कहे बेटा, माड़ा काम तो माड़ा है, इसमें अपन लखपति करोड़पति को नहीं बढ़ते, मैं खड़ा हूं भाई मैं इसलिए बोले मैं इन्हों नहीं करेगा फौजी काट करे मेरे तो रहा भाई, और मैंने बताओ मजबूरी क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, फौजी इस करके मैंने यू काम करना पड़ा है और मैं उसके 1 लाख की झोटी बांधू, अगर बेटे दूध बेचो दारू ना बेचे, मेरी बात मारी हो तो मैंने इतने कह दी होने का फौजी के मतलब है मार डांट मारा डांट किसे पे नहीं मार रहा भाई, इसका रिजल्ट बहुत माड़ा है, माँ बाप किसे के नहीं करते बेटा तो दारू बेच, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे तो भूखे मर जाओ, लेकिन ये बच्चे है ना ये सीख लेके जाइए, मैं क्या बात कहने लग रहा हूँ, बिल्कुल भी अपने माँ बाप की भावना के ऊपर खड़े उतरो आप लोग, माड़ा रास्ता मत अपनाओ, इन बच्चे के बुरी संगत में मत जाओ, अच्छी संगत में आओ, आपको जो चाहिए मैंने कमेटी तैयार किया, किसी भी बच्चे ने कहा तो मेरा दौर आओ, मेरे पे नहीं होगा तो मांग के जाओगे लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी, ये वादा करता हूँ गांव के बीच में आना, बस यही मकसद था प्रोग्राम करने का, दूसरा कोई भी मकसद नहीं है, दिमाग लड़ाने की कोशिश ना करियो, कोई भी फौजी ने के प्रोग्राम करता किया रहा, कोई किसी ने टंदा कभी नहीं, फौजी पे तो सरकार ने दिए हैं, फौजी तो चटालर दिए होंगे, फौजी तो ऊटा ने दिया जोड़ी करके फिर मैंने 10 रुपये दे दो कोई गांव में ना किसी की मदद देगा, कोई नहीं देगा किसी ने, कहने की बात है सारी, और जबकि मेरा फौजी अच्छा आदमी दे भी देगा ना है कोनी, तेरे तक पहला ही पाली ले गया पहला आ जाता फिर दे दूंगा, मेरे भाई ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये प्रैक्टिकल बड़ी हुई है हमारा गला, इन बच्चों ने जो ये छोटे छोटे बच्चे इनकी बड़ी भावनाएं हैं, प्लेयर को किट की भी जरूरत है, प्लेयर को खुराक की भी जरूरत है, प्लेयर को मोटिवेशन की भी जरूरत है, परिवार प्लेयर को आशीर्वाद की भी जरूरत है, प्लेयर को जो है माँ बाप की भी सपोर्ट की जरूरत है, ये आज ये बैठी है माए, ये धन्य है वो कोख जिन्होंने ऐसे वीर शेर पैदा करे हैं जो आज यहाँ से नाम लेकर जान लग रही है, और बहुत सी ऐसी माया जो और शेर पैदा करेंगी, सिर्फ एक हौसला और अच्छे रास्ते पर चलने की बात है दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो ताड़ी बजाओ और अच्छी ना लगी तो मैंने कहने को भाई ये आगे इंडिया लेवल के प्लेयर, और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रोहित कर दिया पहले वो भी करोगे, अच्छा ये इंडिया लेवल के प्लेयर आगे भाई नेशनल लेवल के, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्हें गेम नहीं करा उन्हें तो पता नहीं होगा, मैंने तो खुद कराया है, नेशनल लेवल पे कौन जाता है, इंडिया प्लेयरों का नंबर आ गया जो नेशनल हिंदुस्तान के अंदर पोजीशन लेके आपके गांव की किस्मत देखो कितने बढ़िया, कितने बंदे इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट है और कितने सिल्वर मेडलिस्ट है, कितने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, एक बच्चा अपने स्टेट को टॉप करता है, अपने राज्य को, एक पूरे राज्य को टॉप करता है, देख लो कितना तगड़ा बच्चा होगा वो, और सारे राज्य में तो एक बच्चा जब टॉप करके आता है, जब हिंदुस्तान के अंदर जो उठे से भी डरने वही उड़े फिर मेरा पट है जान का, और वहां से मेडल निकालना एक बहुत बड़ी बात है, हम तो बात मारते हैं, हमने तो पता है करके देखिए हमने पता, तो इसलिए अब हिंदुस्तान के उन प्लेयरों को मैं समाप्त करना चाहता हूं, मैं तो क्या करूंगा, ये पूरी कमेटी ये पूरा गांव ही समाप्त करेगा भाई, ये वो भी सन ऑफ सुरेंद्र उर्फ दूखा बोला जिसने, उसका लड़का ये 21,000 रुपए से भाई ये सिल्वर मेडलिस्ट है, दूसरा नंबर हिंदुस्तान में इसका आया हुआ है, और 2 बार आया हुआ है, 1 बार की इस लड़के के लिए एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ जिनको मैं स्टेज पे बुला रहा हूँ, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई।
और इनको सम्मानित करेंगे भाई हमारे राजेंद्र कोच साहब, बॉक्सिंग सीनियर कोच है जिन्होंने बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार किए हैं। और इनके डैडी भी धूप सिंह भी आएंगे भाई साथ में बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, तो फैजा शर्मा ना, वेरी गुड। धूप सिंह जी भी सम्मानित कर रहे हैं, और एक बार ताड़ी और मार दो जोरदार। एक सर्टिफिकेट 21,000 रुपए से सम्मान कर रहे हैं हम इस बच्चे को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भाई अभी एक क्रॉस गेम है, मैं तो कोच साहब ने बोलूं था, मैं कोच साहब ही रजिस्टर्ड भी है, हाँ हाँ, फिर मैंने तो जुड़े तक पता था, लेकिन वहां से इन्होंने रिकमेंड करके भेज दिया है, खेल मंत्रालय के कोच थे, मैंने इनके पास भेज दिए थे भाई सर्टिफिकेट, कभी फिर कोई नुका दे मेरा इतना था, मेरा तो दिया कोनी फौजी साहब ने बेटा, ये बिल्कुल रिकमेंड करके भेजे, फिर भी किसी बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कमी है, किसी को किसी चीज की प्लेयर को जरूरत है, तो आज ये कोई दिक्कत नहीं। और ये रोहित, ये क्रॉस का प्लेयर है भाई, ये झुंडो वर्ग की कुश्ती वर्ग की कुर्ते पहन के करे करे सनो बलजीत, एक बार बड़ा जोरदार ताड़ी, अभी हिंदुस्तान के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल करके आए हैं, 21,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट देके आज हम इनको सम्मानित कर रहे हैं, वेरी गुड। और इसको संदीप ये मेरे गले का, हम इकट्ठे करेंगे दे प्रैक्टिस, ये संदीप जुटो कोच और अपने ये गुरमित कोच साहब भी साथ ही आएंगे, इनका मैं तो गले जाऊंगा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तो मन ले डूबी मैं तन ले डूबिया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दे करो, ताड़ी ना थमने दो। और अभी देखो आप लोग सोच रहे होंगे काफी देर से स्कूटी के अंदर खड़ी कर रखी है, अभी इंडिया जो इंडिया चैंपियन है, हिंदुस्तान के चैंपियन प्लेयर है वो भी रह रहे हैं, उनका भी आपको देखो जो पूरे भारत को फर्स्ट करके आए, ये स्कूटी भाई है। अब आपको पता है कि कहीं सोचते हो फौजी यार इतने पीछे करते, पीछे पास तो किसी पे को ना, ये तो भगवान ने दिया, मैंने कर दिया कुछ को ना, ये तो सिर्फ एक क्या है कि जो मैं यूट्यूब चैनल चलाऊं, यूट्यूब चैनल आजकल जो बिजनेस है वो मीडिया का आ गया सारा, ये जो छोरे कबड्डी के चलावे तभी इतना बेरा सारा, ये सिर्फ गांव के अंदर ये बता सकते हैं कि फौजी की इनकम क्या नहीं, गांव के अंदर किसी को पता नहीं है फौजी की इनकम क्या, ये बता देंगे एक एक पैसा बता देंगे ये, और मैं इनकी बता दूंगा, ये मीडिया खेल है सारा, हौसला बता छोरी का और छाड़ मारेगी, बढ़िया चल रहे गाने तेरी, चलो बीच में चल बेटा बीच में जा। और मैंने इसको वादा किया था इससे कि बेटा हरियाणी फोक आर्टिस्ट का तेरे को सीएम अवार्ड दिलाऊंगा, अभी तो कोरोना चला हुआ है, और बेटा मैं मुख्यमंत्री अवार्ड दिला के लाऊंगा तेरे को एक दिन, असली तो यह है या तो वो है फोटो त्राण छात्र कर ले, अरे को जेठ चाट लगता मेरे यूर ठंगा हो गया निकल, चल तो खैर चले फोटो बढ़ जाता है, कोई नहीं रहता हूँ लक्ष्मी कोट लेना मुँह यो चक्कर तो यू हो रहा फिर मेरा की करिए। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ जो करमवीर फौजी सर जी ने मुझको इतनी बड़ी भेंट गिफ्ट की, जिसके काबिल मैं हूँ भी या नहीं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ करमवीर फौजी सर जी का, थैंक यू सो मच सर। एक मिनट ने बताऊ राजा तो कहती पट्टी अफगान तो भाई नाम आंदे बिरानी के साफ सा लड़ाई मेरा गांव बड़का गांव लगा सच्ची बताइए तो ईमान त्रिमाही कसम खा के बताइए तो कितनी कितनी नहीं पट्टी अफगान गांव का माहौल बहुत अच्छा है, मैं रात को कभी भी शूटिंग वगैरह करने आती थी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इसका माहौल बहुत अच्छा है, ग्राम वासियों बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत सम्मान मिला, तो इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। YouTube पे गाए रहे असर मावे ने तो ग्रेंड छोड़े बेचारे, अच्छा भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अभी जो है ये समस्त कमेटी तैयार है, ये पूरी की पूरी कमेटी भाई, ये फोटो बना लेना इसके साथ में, ठीक है भाई। भाई देखो सब इंडिया के अंदर आज सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार इनको सबको का हूँ, मुझे मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक सपोर्ट ही कर सकता हूँ, वो सपोर्ट मैं अपने बच्चों को तो करता ही करता हूँ, मैं तो सभी के बच्चों को कहता हूँ मैं सपोर्ट के लिए हाजिर हूँ जैसा भी हूँ, और इन कोचों ने इनको त्रासा, इनको कोचिंग दी,
तो कम से कम चार पांच साल मेहनत करके एक बच्चा इंडिया चैंपियन जब बनता है तो कितनी मेहनत करी होगी इन बच्चियों ने और कितना कोचों ने जोर लगाया होगा। तो मेरी बेटी शिवानी जो आठवीं महिला सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन उदयपुर के अंदर थी और जिसमें इंडिया के अंदर गोल्ड मेडल लेके हिंदुस्तान चैंपियन बन के आई थी, बड़ा अच्छा स्वागत आप लोगों ने किया इसका। तो मैं उसको मंच पे बुलाता हूँ सम्मानित करने के लिए। भाई सारी कमेटी जो है पूरी जितनी भी कमेटी है फूल लगा रही है सारे आ जाओ ऊपर बैठो, जितनी भी कमेटी है पूरी की पूरी ऊपर आ जाओ। और 31,000 रुपए न्यू के देखा है, न्यू के पापा ने कहा देखो उसने मैं बन खोजता हूँ, मैं देख लिया न्यू के ने अपने चेक कर लिए पहला। और जो है एक सर्टिफिकेट, चलो बेटा जाओ शाबाश देख लो बेटा ईपीओ, अगली बार कम से कम 5-6 होनी चाहिए इस जगह पे जो इंडिया चैंपियन है। थापी पड़ोगी पढ़ाई में खेल रहा मैं। लाला चल बढ़िया तार ला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा सहयोग। अरे भाई मेरे तो नौजवाना पूरे हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि मैं जो चीज चाहूं था वो आज यहाँ देखने को मिली है। मैं यकीन मानो ऐसे बच्चे थे जो आज तक मेरे साथ मुंह से नहीं बोले थे, आज 40-45 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन जब ये मेरे साथ जुड़े मैं कुछ छाड़ी की तरह काम करने छोड़ा ना, मैंने न्यू नहीं मेरा आज कुकर ये स्टेज लगे, कुकर ये झंडे लगे, कड़े तो ये कुर्सियां आई और कड़े तो ये चाय पानी, कड़े तो सौदा, मतलब सबकी ड्यूटी बांट दी, ये सब बच्चे अपनी अपनी ड्यूटी में खड़े हुए। और भाई दोस्तों ईव जो है ये कमेटी देखो, ये परली गामड़ी के अंदर तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि इतना तो धीरे धीरे सिस्टम बैठेगा ना, पहले मैंने इधर से बच्चे जोड़े हैं। तो भी इस कमेटी का आगामी मीटिंग हफ्ते 10 दिन में हम रखते रह करेंगे और ये पोस्टर के ऊपर मेरा नंबर है जो हमने स्पेशल कमेटी के लिए रखा है। तो इस कामड़ी इसमें से भी जो भी बच्चा बेटा जुड़ना चाहे, आपने बच्चा 100 जो 200 जो 300 जो 400 जो बच्चे जुड़ो, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहियो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो, चाहे लड़ इलेक्शन सरपंच का लड़ो मेंबर का लड़ो, लेकिन कमेटी का सारा ना लियो कि भाई चलो मैंने वोट दो दिन कर दो, बेटा इस चीज से दूर होना पड़ेगा, अपनी सुधार नहीं हो पाओ कमेटी का बिल्कुल भी, जो थोड़े से अपने लालच कर लिया किसी भी चीज का, आपा इस चीज से दूर है भाई। हाँ ठीक है आगामी सरपंच बनेंगे मेंबर बनेंगे भाई, हमारी जितनी मदद होगी कमेटी की हम फुल मदद करेंगे, जड़े कहोगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फौजी का हाथ पकड़ के ले जो तरह स्वागत हो सही और नहीं तो बेसही, जो वेलकम ना हुआ तो आगे। और भाई जितनी मानना है आप लोगों की सेवा की जरूरत पड़ेगी, कोई भी गांव गणमान्य व्यक्ति किसी को भी प्रधान बनाओगे गांव का भाई हम उसके साथ काम करेंगे और वो हमारे साथ काम करेगा भाई, हमने बाकी आपकी मर्जी है जैसा भी आप बनाओगे काम राम, हमने तो एक्सेप्ट है, हमने तो सिर्फ जो है देखो पंचायत के साथ ही काम करना पड़ेगा, जब मजा आएगा पंचायत हमारा सारा ले, पंचायत का सारा ले, हाँ कितना मजा आएगा काम करने का। लेकिन दोस्तों मैंने तो अपना स्वार्थ साइड में टेक दिया, मैंने देख लिया सिस्टम जो है ना इसी तरह काबू होगा, ये बच्चे इसी तरह काबू होगा, नहीं तो नशे की तरफ भाग जाएंगे, किसी ने कुछ नहीं लेना, जान दिया हमने कि हमारा कोसा है तड़कन के ब्रह्मा राला लाग जाए उल्टे काम कर, इसलिए इस चीज के लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और भाई एक बिटिया और है, एक सिर्फ यही बिटिया बची थी जिसका मेरा मन था कि यार छोरी स्वागत बिना क्यों रहेगी, क्योंकि इनका मैंने पहले बता था कि एक नंबर का फर्क है, सिर्फ एक नंबर का फर्क था, लेकिन एक नंबर का कोई फर्क नहीं होता। हमारे पीटीआई कुलदीप जो है इनका बेटा है कुलदीप जी, उसकी बेटी है ये तन्नू, तन्नू डॉटर ऑफ कुलदीप सिंह, बेटा आज लाडो तेरा एक नंबर, यानी बोले अंकल जी मेरा बोला सप्ताह का नंबर है, बस एक छोरा अर्जनगर का उसके ज्यादा पैसे हैं, हाँ रोशनलाल की पोती है हमारे पीटीआई की। फिर मैं बोले अर्जुन जो कि यार मेरे पे मार्क लिस्ट अपनी गांव की एक छोरी और तेरा एक नंबर ज्यादा ले रही है गुरप्रीत। फिर हमने गुरप्रीत का भाई आधार कार्ड मंगाया, मैं कहा कड़िया और की हो, मैंने खोलिया इसका बापू का पास है बेरवाल लिख रहा, मैंने बंद कर दिया, मैं तो बेरवाल भाई बेरवाल कॉलोनी में छोरी अपनी गामड़ी की है। तो बेटा एक नंबर का थारा सिर्फ फर्क है और एक नंबर इसका तेरे से कम है, तो इस गुड़िया को भी जो है वेरी गुड बेटा, ये तो किस्मत की बात हो, लाडो लफाफा तेरा पैक मैंने कर नहीं था, लेकिन फिर भी इतने कुछ ना कुछ देख अट्ठा दूंगा, वेरी गुड। आओ जी किसने बुलाऊं, सरपंच साहब आइए, हरोसनलाल जी भी खड़े होंगे, इनकी पोती 1100 रुपए, अरे एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा 1100 के दे पूरे, देख 100 ही है के, शाबाश। क्योंकि बेटा हमने देखो पता है कि जब मैंने सब ने मान लिया फिर तेन कह देंगे सेकंड थर्ड आवा, ये तो छोरी थी भाई चलो
बढ़िया है, इसका एक नंबर का फर्क नहीं, नंबर भी जमा पूरे पूरे खींच रही है ये। चलो बहुत बढ़िया। और भाई अब प्रोग्राम को फिनिश करेंगे, एक लास्ट प्लेयर हमारे पास बची हुई है, और उससे पहले न सुन जा, उससे पहले पूरा गांव राम है भाई। आज छोटे बड़े लुगाई छोरी 3 साल का टॉपर था लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग बैठे हैं। अगर किसी ने कुछ बोलना हो, किसी ने कोई सुझाव देना हो, पॉलिटिक्स को छोड़ के राजनीति को छोड़ के, किसी ने कुछ कहना हो बच्चे के बारे में, पढ़ाई के बारे में, खेलने के बारे में, पॉलिटिक्स का कोई जिक्र नहीं होगा। हम क्या, हम कितनी मदद कर सकते हैं आपकी, और बच्चों को किस प्रकार से हम, और सुन लो किसी का बाल गलत चल रहा है माता नहीं, मेरा फोन नंबर है कमेटी ने ले जाएगा उसे टाइम पकड़ लेंगे हम, कल रसीद बता दियो फौजी साहब का थप्पड़ चटुला चकू करे समझा, इसने समझेगा ठीक है, नहीं समझेगा जब हमारी किस्मत होगी बात अलग है, हाथ थाना लिख जाएगा नहीं तो लिख नहीं देंगे। इसलिए मैंने कमेटियां बनाई है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है बंदे का अपना अपना मन होता है। सपोर्ट्स ने मेरे को कामयाब किया, सपोर्ट्स ने मेरे बच्चों को कामयाब किया, और आगे एक बहुत बड़ा खजाना जिंदगी में शायद कभी भी परमात्मा ने इतना बड़ा दुख मेरे को दिया है, एक नशे के कारण मेरा भाई चला गया और आज ये गवाह बैठे हैं, पीछे कोच साहब बैठे हैं। जब कैथल डिस्ट्रिक्ट बना था उस टाइम पहला अगर गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के अंदर दिया था धर्मवीर ने, दिया था कि नहीं दिया था, एक बार जोरदार ताली बजा दो, आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं फौज में चला गया, 5-6 दस की संभाल नहीं हुई और गलत संगत में चला गया, इतना तगड़ा लॉस आज खा के बैठा, नहीं तो आज ओलंपिक प्लेयर होना था वो अगर उसके पीछे बैक सपोर्ट होती उस टाइम पे। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, इतना बड़ा दुख जिंदगी में भगवान ने दे दिया, इस तो ऊपर के लेवेगा सारा कुछ ले जाओ, कुछ नहीं मैंने उससे बढ़िया, उससे अच्छा कुछ नहीं लगा था, इतनी बड़ी जो है दुख मेरे को मिल गया और उसके बाद परमात्मा ने बेटा दे दिया, इससे बड़ी खुशी मेरे को कभी मिली नहीं सकती। मन तो सबका बड़ा दुख भी देख लिया और सबका बड़ी खुशी भी देख ली, आपने किसी चीज की टेंशन नहीं, आपने टेंशन यह है कि सबके बच्चे बढ़िया तरीके से चले। और अब इस प्रोग्राम के जो है लास्ट मोमेंट पे हम जाते हैं, और मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो भाई सॉरी 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 3 बार बोलू, मैं पहले भी बोलिया था, मेरे को किसी ने सुझाव देना है, गांव को किसी ने सुझाव देना है, आप लोग आके कोई भी, कोई लेडीज है, कोई लड़की है, कोई गणमान्य व्यक्ति और है, कोच साहब आप लोगों ने किसी ने भी कुछ भी बताना हो, गुरमीत किसी को बुलवाना हो बताओ मेरे को, पहले फिर प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। वैसे बुलाओ तो गांव में अपने राजेंद्र जी, आप तो सोचो कि देखो आपने तो आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो एक बार राजेंद्र कोच साहब के लिए ताड़ी बजा दो, जोरदार ताड़ी बजा दो कोच साहब भाई प्लीज, चल दो बात बताओ, थोड़ा मोटिवेशन दो प्लीज, आओ पहले मैं आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और कारगिल फौजी और ग्रामवासियों को मैं भेजना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम अपने लेवल पे किया और गांव का नाम रोशन किया। सब लेवल कुछ नहीं है जी, देखो इस चीज को नाम सुनो कि फौजी ने पीछे लगा दिए तो फौजी का लेवल हो गया, गाँव बहुत बढ़िया है, देखो गाँव का सारा का सहयोग है भाई इस चीज में। माइक आपने मेरे को दे दिया, मैं ही बोलूंगा, आप सुनिए, मानता हूँ आपके मुकाबले नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा जी लेवल की बात करते हैं, ये बात होती है बच्चों को उत्साह देने की, हर बंदे की हिम्मत नहीं होती, हर बंदा सोचता है, हर बंदे का दिल नहीं होता। मैं कहता हूँ इनकी तरह अगर हर आदमी आना गया चाहे तो इस गांव के बहुत अच्छे लड़के, बहुत इंटरेस्ट लड़के यहाँ से निकल सकते हैं, इस गांव में टैलेंट है, सिर्फ उसको तराशने की जरूरत है, तराशने वाले आप जैसे लोग जैसे कर्मवीर फौजी जी हैं और मेरे भाई 2-4 आ गए तो निश्चित ही है कि वो बच्चे का हौसला बढ़ेगा, आगे आएंगे। हम लोग तो उनको कोचिंग देने वाले हैं, आप उनको हौसला देने वाले हैं, आप उनको आगे ले जाने वाले हैं। मैं आप इस बात के लिए ग्रामवासियों का और कर्मवीर फौजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने काम करके बहुत बड़ा काम किया और एक गांव को प्रेरणा दी, जिस जिस प्रेरणा के भरपूर बच्चे आगे आएंगे और गाँव का रोशन करेंगे। धन्यवाद, शायद मैं अपने नाम पाकिस्तान ग्रहण करता हूँ भाई। अपने हैंडबॉल कोच है जो राजेश जी, नहीं देख मेरी बात सुनो, मेरी जितनी बेटियां हैं वो फिजिकल टीचर ही है, इनकी मिसिज पीटीआई नहीं है, नीलम पीटीआई जो खालसा स्कूल के अंदर थी उसके जो हैंड वो स्पोर्ट्स करती रही, यहाँ देखा ताड़ी बजाई छोड़िए ना पाचा बेटा, वेरी गुड। ये मैं चाहता हूँ कि दो बात पहला बता के इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन करो, और ये माँ बाप बैठे इनका थोड़ा हौसला बढ़ाओ कि बच्चे ने खेलना भेजा करो। मंच पर बैठे सभी मेरे बुजुर्गों और सामने बुजुर्गों, माताओं बहनों, आज इस मंच के माध्यम से जो कर्मवीर फौजी जी ने आपको इतना अच्छा संदेश दिया है, चाहे वो नशे से दूर रहें, चाहे आप खेल में आगे बढ़ें, क्योंकि मैं और कर्मवीर फौजी जी इकट्ठे खेले हैं, जूडो भी हमने इकट्ठी करी है, कुश्ती भी करी है, और एक दो कैंप भी हमने इकट्ठे लगाए हैं जब हम छोटे हुआ करते थे,
और वो टाइम भी मैंने देखा है कि जब हम खेलते तब भी ये गाने के बड़े शौकीन थे, तब भी ये रागनी और गाने गाया करते थे। आज बहुत महारत हासिल कर ली इन्होंने, इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, इनका नाम बहुत दूर दूर तक बोलता है। कम से कम मैं ये जरूर कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि आप सब बच्चे इनसे कुछ सीखें, मोटिवेशन लें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो गायन में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप इनसे कुछ सीखें। धन्यवाद करमिल जी। अब किसका नंबर आएगा रे? एक बंदा मैंने नहीं बोला, मैं बोले भाई साहब आना पड़ेगा, आपने आप पुराने प्लेयर हो और सबसे पहला मेडल जो इंटरनेशनल विश्व चैंपियन का दिया है, तो आपका सम्मान जब तक आप रहोगे, आपके जाने के बाद भी याद करेंगे, आप वाला रिकॉर्ड शायद ही हम कोई तोड़ पाए, आगे हमारे आने वाले बच्चे भी कोई माइका लाल पैदा हो जो विश्व चैंपियन बने। सतवीर हमारे बीच में बैठे ने बोला फौजी साहब जी मैंने बुलवाएगा फिर तो मैं आंदा नहीं, और जो नहीं बुलवाता हो फिर मैं आऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता जी। देखो चाहे दो बात बोलो, चाहे दो बात बोलो, सतवीर आप अभी इकट्ठे आके हैं, इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे कैंपा में रहे हैं, तो देखो जब इन्हें के बेरा पटेगा, इन बच्चे ने के बताया मैंने तो बेरा इन्हें के बेरा कि हमारा को वर्ल्ड चैंपियन भी रहा है कोई बेटा। जब थारी उम्र में था यू पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी देश धरती पाए सारे देश में फर्स्ट आया है जो इन आप लोगों के बीच में सतवीर को जरूर सुनी बोले। एक बार सतवीर जी एक बार आओ, राम राम खड़े होकर लेकर तो सकल तो दिखा इन बच्चे ने। बेटा ये सतवीर है, अब ये रेसलिंग की कोचिंग देते हैं, कुश्ती की, और ये पूरे भारत देश में फर्स्ट है, और पूरे धरती में जितने देश है मतलब सौर में फर्स्ट आया है अपने टाइम पे जब थर आने का था। तो तुम भी आज को कोई बड़ी बात नहीं है, ये मोटिवेशन हम आपको इसलिए दे रहे हैं। और कुछ बच्चियां परफॉर्मेंस करके गई हैं अब, और मैंने बोले को नहीं चल ठीक है कोई नहीं, तो जो बच्चियां सपोर्ट ये करके गई है ना बेटा, ये परफॉर्मेंस बेटा था हमें इन था हमने भी सर्टिफिकेट दे दू मैं, क्योंकि जरूरी है ना कोई रह ना जाए। हाँ बुलवाऊंगा। और बेटा और सुनो भाई, एक 27 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन के ऊपर रेस करवा रहे हो जिसमें तीन कैटेगरी होंगी, काम सहयोग करियो भाई सारा। आईपीएल तो मेरा था भी के सिस्टम तो देख लिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि टेंशन ना लो, वो परेशान आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ एक नहीं अभी जाओ खेलो हौसला बढ़ाओ, अच्छी बात है बेटा जाओ ठीक जगह है, बस इतना ही कर दे रही हो। उसके अंदर तीन कैटेगरी होंगी, कोच साहब ये बैठे ये सब इनके जिम्मे छोड़ दूंगा, ये अपना बना लेंगे, एक सब जूनियर, एक जूनियर और एक सीनियर। लड़के और लड़कियां, सब जूनियर यानी कि 10-11 साल से नीचे की लड़कियां लड़के, जूनियर यानी कि 15-16 साल से नीचे की लड़के और लड़कियां, एक फिर कोई भी आओ ऊपर सीनियर उसमें लड़के और लड़कियां, छह टीम बनेगी भाई, तीन छोरियां की और तीन बनेगी छोरियां की। अब सभी नाम बढ़िया मोटा करूंगा, टेंशन नहीं लेनी किसी ने, इंपेयर दौड़ लानी शुरू कर दो, थोड़ा काम आओगी फौज में पुलिस में लागू होगा काम आओगी, तभी रेस की प्रैक्टिस करोगे, खूब जाओ रेस करो, और अगर आगे दूध बाल्टी में जितना डंग रहे हो चढ़ ही पी जाओ, कुछ कह जाओ करके टेंशन ना ले करो, इपे खाओ पियोगे दो तीन साल यही है फिर आगे बढ़ोगे तरक्की करोगे। विजय कोच ने करनाल जाना है बिल्कुल, आपने मेरे को पहला बता, फिर न्यू कौन जान देते बोलिया बिना, कोच साहब देखो थोड़ा थोड़ा दे दो लाए प्लीज, देखो सदा बुलाए हो मोटिवेशन, देखो कुश्ती कुश्ती एक ऐसे नहीं है मेरे गाँव से, कुश्ती की पहचान मेरे गाँव से और मेरे गाँव की पहचान कुश्ती से रही है, तो रेसलिंग से बहुत लगाव रखते हैं हम लोग, आ जाओ वेरी गुड, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ बेटा। एंटी 5 मिनट का प्रोग्राम बस फिनिश, इसके बाद में एक जाओ ना बीच में दिल तोड़ के ना जाओ लड्डो, ए बेटी ना ना बेटा न्यू ना करो, 5 मिनट इसके बाद बस एक प्लेयर बच रहा है, एक प्लेयर आप लोगों के बीच में बच रही है जो बहुत ही बढ़िया आप लोगों के बीच में उसने सम्मानित करा के फिर अपने छुट्टी हो जाओ। सभी को नमस्कार, मंच पे सरपत साहब व मेरे साथ ही कोचेज और बुजुर्ग, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद यहाँ पे अपने पट्टी अपराध में रूम लेके रहा हुआ हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और बहुत ही ज़्यादा गेम का टैलेंट भी है और खासकर मेरे गेम से जुड़ा हुआ जो कि कुश्ती, मैंने बहुत ही पहले जब मैं यहाँ आया तो मैंने सुना कि बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं कुश्ती के और मैंने देखा भी है, हमारे पहलवान जी है दुफा पहलवान जी, इनके लड़के हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, तो बेटा एक गेम से जुड़ोगे तो एक नशे से भी दूर रहोगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तो इसलिए बेटा सभी गेम से जुड़ो और पढ़ाई करो और अपना बाप का दादा का नाम रोशन करो और अपना गांव का, जैसे कि अपने करमवीर फौजी साहब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, आपके आगे शुरुआत रखी है, नीम रखी है, बहुत बहुत मैं करमवीर फौजी साहब मेरे बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। अब प्रोग्राम का लास्ट मोमेंट भाई,
देखो अपने आए हुए अतिथिगण है ना, उनको संबंध करेंगे। उससे पहले बच्चियों को थोड़ा सा दे देता हूँ मैं, जो ये परफॉर्मेंस कर गया। मोनिका आज बेटा, मोनिका जो तो ये जो कल्चर एक्टिविटी में अचीवमेंट करके गई है और एक पोइम बोल के गई है, दोनों ही सर्टिफिकेट इसे गया नहीं। आज लड्डो आ जाओ, लाइन कौन सा बुला, किसको बुलाओगा? कलम मेंबर आ जाओ कोई सर, आ जाओ विनोद, तुम आ जाओ, आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ तुम भी, आ जाओ आ जाओ दोनों तीनों आ जाओ। कि मैंने अपने बच्चे अपने कर्म ले भाई, ये कल्चर एक्टिविटी में अचीवमेंट करके गई है गुड़िया, बहुत हौसला देखो बोल लिया है, और बहुत ही बढ़िया, बलौत की बेटी है ये, मनिया की पोती, बहुत ही बढ़िया। देखो बहुत बड़ी बात है यार, मंच पे आना बोलना, और पढ़ाई के अंदर अपन डिविजन इसकी आई है 1100 रुपये, और भाई ये सर्टिफिकेट हम बिटिया को दे रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। ले बेटा दो सर्टिफिकेट पकड़, और भाई एक ये है रितु, रितु 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 अदला टो, शाबाश। मोनिका अलग अलग है, आजा बेटा फिर तो नहीं जाओगे। ले ले भी एक मोनिका यहाँ है, यह पोइम बोल के गई होगी नहीं, वह पोइम बोल की दिया कल्चर एक्टिविटी कर गई थी 1100 रुपये, और भी एक एक सर्टिफिकेट देके हम इनको सम्मानित कर रहे हैं। एक भाई रितु, रितु लड्डो आ जाए, शाबाश। मंदिर तक ये बात कही थी याद है नहीं, बस बेटा पास है 1100 रुपये, और एक सर्टिफिकेट देके मान सम्मान कर रहे हैं। क्या कौन है भाई? मानसी, अच्छा बेटी शाबाश। ये देखो ये सीधा साधा मेरा हरियाणा जा, दूध दही का खाना, गले तबीजी काले डोरे, मर्द मुछे हरिया के छोरे, दमन कुर्ता मरा बाना, सीधा साधा हरियाणा। वेरी गुड भाई, 1100 रुपये और एक ये सर्टिफिकेट देके इस गुड़िया का भी मान सम्मान कर रही है। और भाई बहुत बड़े बड़े जो है, ये मैंने पहले ही बताया था कि हमारा गाँव सपोर्ट से बड़ा लगाव रखता है, सपोर्ट से जुड़े हैं। देखो ये बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर अभी नेशनल चैंपियन बने हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आगे हम भी नेशनल प्लेयर रहे हैं। सतबीर तक भी बात आ गई, अभी विश्व चैंपियन रहे हैं, उससे पहले अपने हरसिंह पहलवान, सूबे पहलवान, और लिल्लू पहलवान, बदलमार से पहले हो लिए अपने, तो जाने जाने होंगे जब इन्होंने पहलवानी कर दी, इन्होंने तो झंडे सुरते गाड़ रखे इस गाँव में पहलवानी के। तो ये परंपरा को आगे बढ़ाओ बेटा, ये नशे पसे से बचो। और अभी जो है मैं समस्त पूरी कमेटी से, कमेटी हो गया भी, ये जितने भी अपने ये वो, पहले इनको समाप्त किया जाए, एक एक बंदा बोलते रहो, और वो हाँ तो आप बोलोगे, हाँ ठीक है बताओ। विजय देखो अतिथि गण आए हैं, इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है, बस ये लास्ट मूवमेंट है, बीच में उठकर जाओ, देर तो सभी ने हो रही है, हमने भी हो रही है, बस पांच ज्यादा है, ज्यादा 5 मिनट मैं सम्मान करूँ। लजी नाम विजय रेस्लिंग कोच, एक समिति चिन्ह देकर करमवीर फौजी जी, और इसके बाद प्रशांत हेडबॉल कोच आप आएंगे प्लीज। विजय डीपी हेडबॉल कोच, और हमारे गुरुजी राजेंद्र साहब आप आए प्लीज, एक छोटा सा सिमरी चिन्ह। विक्रम डूल बॉक्सिंग कोच डीपी अंतरराष्ट्रीय कोच, प्रशांत जी हो गया आपका, और उसके बाद राजेश हमारे वर्किंग डीएसओ कार्यकारी अधिकारी स्पोर्ट्स के, और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रवि ज्योरा आप आए प्लीज, एक छोटा सा समिति चिन्ह। और दीपक जी कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पलवल जिला से, काशीपुर गांव से, बड़े ही होनहार खिलाड़ी हैं। और हमारे बीच हमारे हेड टीचर हवा सिंह जी आप आए, आपका मोटिवेशन यहाँ बच्चों को सदा रहता है। हवा सिंह जी के लिए एक बार दो दो तालियां बजाएं, आपके स्कूल में ही यहाँ ये कार्यरत हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अच्छा तो सुनीता मैडम सरपंच आप भी आए प्लीज, एक क्लब की तरफ से एक समिति चिन्ह।
डूल साहब आप भी आए प्लीज, मिंद डूल जी आए प्लीज, एक छोटा सा समिति चिन्ह। आपने जो कीमती समय दिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो विनर जूडो कोच पट्टी होगान आप भी आए प्लीज। दूप सिंह कुश्ती कोच पट्टी होगान से हैं, आप आए प्लीज। और हमारे गुरुजी रोशनलाल पीटीआई, हाँ करबीर फूल साहब के हमारे दोनों के हैं बिल्कुल। हमने तो विशेष तौर पर घना पिटे करता है ये पीटीआई जी, हमारा तो विशेष ख्याल रखे करता, खेलने तो ज्यादा कर खींचे करती है पीटीआई जी।